दोस्तों आज की इस पीढ़ियों में हम बात करने वाले हैं तीरीबातों में ऐसा उलझा जिया फ़िल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो और तेरी बातों में ऐसा उलझा जया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है की दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको भी कहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को दो में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे वैसे दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको बहुत ही बढ़िया कहानी देखने को मिलती है ये फिल्म साइंस के ऊपर बेस्ड है ठीक दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको अभी कौन सा ओ टी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी यूट्यूब चैनल पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम वही फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म में दिखाया गया है आर्यन अग्निहोत्री यानी कि शाहिद कपूर अपनी मौसी उर्मिला की कंपनी में काम करने वाला एक रोबोटिक्स इंजीनियर है फिर उनका परिवार चाहता है कि वह किसी लड़की से जल्दी शादी करके अपने घर बसा ले। लेकिन आर्यन अपनी शादी की योजना को टालता रहता है किसी न किसी बहाने वही अपनी मौसी के निमंत्रण पर आर्यन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चला जाता है काम करने के लिए इसके बाद वो अपनी मौसी के पास यूएसए चला जाता है जहाँ पे उर्मिला को एक महत्वपूर्ण कॉल आती है और वह एक आपातकालीन कार्य को निपटाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है अब आगे आगे दोस्तों उर्मिला अपनी मैनेजर जो सिफरा यानी के कि कीर्ति सेन से उसकी अनुपस्थिति में आर्यन का ख्याल रखने के लिए कहीं देती है और सिफरा इतना ज्यादा ख्याल रखती है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एक दूसरे के करीब आने के बाद कोई मुसीबत नहीं होता है लेकिन जब दोनों में प्यार हो जाता है तब जाकर इन दोनों में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है प्यार होने के बाद पता चलता है कि शिफ्रा एक ह्यूमन रोबोट है इसके बाद आर्यन ने क्या किया क्या वो शिफ्रा को भूल गया उसने किससे शादी की अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म एक बार बैठकर जरूर देखना पड़ेगा अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कहानी बहुत ही सरल है लेकिन जो बात फिल्म के साथ अच्छी तरह से काम कर जाती है वह यह है कि इसका मज़ेदार पहलू जो कि निर्माताओं को अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कोई बढ़िया कहानी नहीं है इस फिल्म में दिखाने के लिए इसलिए दोस्तों उन्होंने फिल्म में चुटपुले और फिरजे पुलिस जनक जो कॉमेडी का तड़का लगाया है थोड़ा थोड़ा करके शाहिद कपूर द्वारा अपने परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कृति सुनून एक इंसान है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और गुदगुदाती है इस फिल्म में वही इस फिल्म में कई ऐसे पल भी है जो कि आपको हंसा देंगे लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वहीं बता दें क्लाइमेक्स से पहले का एपिसोड जिसमें जो रोबोट में खराबी आती है तो हमें और आपको इस फिल्म में पता चलता है और काफी ज्यादा हंसी भी आती है और इस बीच हम काफी ज्यादा इस फिल्म से इंजॉय भी करते हैं इसी सीक्वेंस में कीर्ति सुनोन का अभिनय शानदार हमें देखने को मिला है जहाँ पर डिम्बल कवारिया ने अपने किरदार में कमाल का अभिनय किया है वही फिल्म का आइडिया दी आइडिया ही दिलचस्प है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई दूसरी फिल्म है आपको ये फिल्म देखने के बाद लगेगा वही आपको बता दें फिल्म के हीरो शाहिद कपूर ने फिल्म में कमाल का काम किया है कीर्ति के रोबोट होने का पता चलने के बाद जिस तरह से अभिनेता ने अपनी भावनाओं और फिर जो हताशा को दर्शाया है अपनी हताशा को दर्शाया है वह कमाल का लगता है शाहिद कपूर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है फिल्म में और फिर जो फिनाले में उनका इमोशनल अभिनय प्रभावशाली है हाल ही में शाहिद अधिक जो है गंभीर भूमिकाओं में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उनका मजेदार पक्ष हमें देखने को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सोन ने सिफरा के रूप में शानदार परफॉर्म दी है और यह निश्चिंत रूप से एक आसान भूमिका नहीं है उनके लिए लेकिन कीर्ति सोन ने इस इस भूमिका को आसानी से और फिर जो पूर्णता के साथ निभाई है वह बेहद खूबसूरत दिखी है इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी मुख्य जोड़ी की के केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इस फिल्म के गाने सुहाने हैं और फिर देर से आंखों को सुकून देने वाले हैं वहीं अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में तो बता दें इस फिल्म का एक पहलू जिसमें जो है बहुत सुधार की आवश्यकताएं थी और वो ये है कि इसका भावनात्मक पहलू कुछ अच्छे भावनात्मक क्षण भी है लेकिन वह मजेदार पहलू के सामने दब जाते हैं इसलिए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक के सम्पूर्ण मनोरंजन नहीं बन पाई है इस साल क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण गायब है क्योंकि हल्की फुल्की कॉमेडी का आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन इसलिए हम पूरी होने के बाद भी इसमें कुछ खास नहीं पेश किया गया है वही फिल्म कभी कभी धीमी हो जाती है और फिर जो है संपादन टीम को कुछ पारिवारिक दृश्यों की लंबाई कम करनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाते हैं धर्मेंद्र के बारे में हम बात करें तो धर्मेंद्र के चरित्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है और ये कब जो है विकसित हुई है जिसकी वजह से वरिष्ठ अभिनेता के और फिर उनकी पहली फिल्म रॉकी और फिर रानी में उनके चरित्र ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था लेकिन ये जो है रोमांटिक कॉमेडी यानी कि इस पहलू में थोड़ा सा निराश हमें करके जाता है वहीं तकनीकी पहलू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आपको बता दें अच्छे गाने की जरूरत होती है और फिर जो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में ये जो है बात आती है टाइटल टाइटो ट्रैक यहाँ पे अखिया गुलाब और फिर जो है लाल पीली अखिया सुनने और देखने में बहुत ही बढ़िया है अब लक्ष्मण उटेकर के विजुअल देखने में बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म में दमदार प्रोडक्शन वैल्यू भी फिट किया गया है निर्देशक अमित जोशी और जो आराधना शाह ने अच्छा काम किया है और वह यहाँ पे नियमित अंतराल पर मनोरंजन जोड़ने में सफल रही है लेकिन भावनात्मक क्षणों और फिर जो है नाट किया था के मामले में लेखन विभाग जो है बेहतर काम कर सकता था वहीं कुल मिलाकर दोस्तों स्त्री बातों में ऐसा उलझा जिया एक टाइम एक टाइम पास करने वाली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें कई मजेदार पल हैं निर्माता का इरादा लगातार जो है मनोरंजन प्रदान करना है और वह इस मामले में सफल भी हुए हैं जहाँ पर शाहिद कपूर और कीर्ति सरोन अपने किरदारों में बहुत ही अच्छी दिखी है और उनकी केमिस्ट्री कमाल की है हालांकि भावनात्मक गहराई गायब है फिल्म से जो कि इस फिल्म को अगले स्तर तक पहुंचाने में सक्षम रहता था साथ ही कई बार जो फिल्म धीमी हो जाती है अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी देखना पसंद आता है तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको जरूर एक बार देखना चाहिए दोस्तों यदि आपने अभी तक अमित जोशी और आराधना शाह की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार इस फिल्म को पहले देखिए दोस्तों 2024 का ट्रेलर देखा गया तब दोस्तों ये लगा था कि आपने जो है मुलत फिल्म का पहला भाग देख लिया है फिल्म में आर्यन अग्निहोत्री शाहद कपूर है जिसके बारे में हमें बताया गया है वह एक संदा रोबोटिक्स इंजीनियर है फिल्म में जो कि खुद को सिफरा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशंस नामक रोबोट के लिए आकर्षित हो जाते हैं फिर उसकी मौसी उर्मिला डिम्पल कबाड़िया है जो कि ई रोबोटिक्स की प्रमुख है जिनकी कंपनी को सिफरा कीर्तिनोन बनाने में तेरह साल का परीक्षण और फिर यहाँ पे तो का सामना करना पड़ा था हमें बताया गया है कि सिफरात जैसे रोबोट भविष्य के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसमें वो अकेले कमजोर लोगों की देखभाल और फिर जो है साथ आ उनके साथ जो है प्रदान करेंगे इसी के साथ इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि सिफरा हर भाषा बोल सकती है हर भोजन बना सकती है दुनिया की हर चीज के बारे में उसे ज्ञान है उर्मिला काम के बहाने आर्यन को अमेरिका आने का निमंत्रण दे देती है लेकिन ये वास्तव में आर्यन और सिफरा दोनों के लिए एक परीक्षण था हमें बाद में पता चलता है कि उर्मी ने सिफरा को आर्यन की पसंद और फिर जो नाप पसंद को दर्शाने और उसकी जो है अलमारी को व्यस्त करने और फिर उसके लिए कॉफ़ी बनाने और साथ साथ ही उससे प्यार करने के लिए जो है प्रोग्राम किया था एक जादुई दिन के बाद जो है जिसके दौरान जो है आर्यन सिफरा को हिंदी जो है इस लैंग और फिर जो है धुमरा सिखाती है और एक रात का स्टैंड यानी कि जिसके बाद जो आर्यन सोचता है कि तुम आजाद नहीं लगती सच्चाई सामने उसके आ जाती है वही इसके बाद दोस्तों आर्यन का तकनीकी जो है पुरुष कि अहंकार इस बात से आहत हो जाता है कि उर्मिला और फिर सिफरा ने उसके उसे बेवकूफ़ बनाया लेकिन फिर भी जो है वह खुद को जो है रोबोट की ओर रोबोट की ओर जो है बेताब ही रहता है सिफरा के लिए उसके प्यार को फिल्म में ईमानदारी से दिखाया गया है भले वह वा इस तथ्य को नज़रअंदाज करने में थोड़ा सा जल्दबाजी करता है कि वह एक रोबोट ही एक रोबोट है जिसे सचमुच जो है उसकी काल्पनिक जो है महिला बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब तक जो इंटरवल आता है तो आर के पास तीन समस्याओं को हल करने की एकदम सही योजनाएं होती है सबसे पहले उसका प्रेम रोग उसके बाद सिफरा के कौशल को और उसके बाद जो है परकने के के और की उर्मिला की उस उत्सुकता और आर्यन की मां की जो अपने बेटे के लिए एक शानदार शादी की योजना अब इसके बाद आर्यन सिफरा को मुंबई अपने घर लेकर आता है और फिर उसे अमेरिका से अपने जो है प्रेमिका के रूप में सभी के सामने पेश करता है अगर आप इस बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको बता दें कि टीबी ए मूजा का पहला भाग जो है निसंदेह मनोरंजन है जहा शाहिदे शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने यहाँ पे अंतर जीत जो है हास्त में कुशलता से काम किया है और वह लगभग लग एक दशक के बाद उन्हें जो है डांस करते हुए देखना आपको अच्छा लगता है हालांकि वह आर्यन को वास्तव में जो है पसंद करने लायक बनने में विफल रहे हैं क्योंकि सुन शिफ्रा के रूप में विश्वास ने प्रदर्शन दी है न केवल वह शानदार दिखी है बल्कि वह दर्शकों को बिल्कुल वही देती है जो कि वह एक रोबोट से उम्मीद करते हैं यहाँ पे मृत आंखों से लेकर जो है यहाँ पे भाव शून्य आवाज तक जो है और व्यवहार संबंधित जो है बीच चित्रताओं जो कि यहाँ पे ज्यादातर उनके यूएस से होने का कारण जो है माना जाता है आपको बता दें बेरेट पेने और फिर जो है हमेशा जो है रोमांटिक रहने वाले धर्मेंद्र ने रोकी और फिर जो है रानी की प्रेम कहानी दो में अपने दादा की भूमिका को निभाई है वही बता दें हालांकि इस फिल्म में उन्हें बहुत कम उन्हें बहुत कम करना पड़ा है क्योंकि हालांकि उन्हें शराब की एक बड़ी जो है बोतल के इर्द गिर्द थोड़ी देर के लिए नाचने को मिला है बता दें कबाड़िया को एक ऐसे किरदार में ढाला गया जो कि निराशाजनक रूप से सीमित रह गया है यही उर्मिला जिस दिमाग से सिफरा पैदा हुई है तो यहाँ पे आ, बता दें कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कही जो है अधिक यानी कि शामिल जाए भूमिका यहाँ पे मिलनी चाहिए थी इस प्लब में लेकिन जो सिफरा की तरह हुआ केवल जो है नायक की एक छाव को जीवंत करने के लिए मौजूद है यह कभी 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 बता ये कभी कभी ये भी पता चलता है कि उसने शिफ्रा को आर्यन से रोमांटिक रूप से जो है आकर्षित करने के लिए क्यों डिजाइन किया गया जब वह रोबोट के प्यार में पड़ जाता है तो वह क्यों जो है अंचभीत महसूस करता है छोटे मोटे सवालों के बावजूद जो है सिफरा और आर्यन का पनपता रोमांस मजेदार आपको देखने को लगेगा अब छोटे मोटे सवालों के बावजूद वे सिफरा और आर्यन का जो है पनपता रोमांस मजेदार है आर्यन के परिवार के लिए सिफरा आदर्श बहू है वह कुछ ही सेकेंड में ढेर सारा खाना पका सकती है और ठीक ठीक काम कर सकती है हालांकि वह सभी जो है आदेशों को अच्छी तरह से निभाती है और जैसा कि आर्यन की, की माँ बताती है कि वह एक मानव बर्बी यानी कि गुड़िया की तरह दिखती है एक महिला रोबोट का एक जो है विशेष यानी कि भारतीय बहु के रूप में मुखौटा लगाने का आधार उनके कुछ यानी कि बदकिस्मत लोगों के लिए नया नहीं है 2016 का यहाँ के टेलीविजन सीट कॉम बहु यानी कि हमारे जो है रजनीकांत याद आ जाते जा पे दोस्तों बीजेम शो की तुलना में अधिक जो है चमक यहाँ पे चमकदार हो सकता है लेकिन इस आधार के केंद्र में सहजता और फिर जो और सहजता बनी हुई है क्या एक महिला को तभी आदर्श माना जाता है जब वह एक रोबोट हो जो कि बिना थके और विशेष रूप से जो है परिवार की सेवा हमेशा ही करती रहती है शुरुआती दृश्य में आर्यन अपनी जो है घरेलू घरेलू जो है सहायिकाओं को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वह जो खाना बनाती है वह उसके मुकाबले काफी ज्यादा स्वाद उसमें रहता है बाद में वह सिफरा द्वारा जो उसके लिए बनाए गए भोजन की प्रशंसाएं करता है अपने पहले मुलाकात में आर्यन सिफरा से कहता है कि उसे उसके की सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना जो है सारा काम खुद करना पसंद है पंक्ति में वह उससे कॉफी लाने के लिए कहता है और ये ध्यान देने योग्य है कि इस बिंदु पर वह नहीं जानता कि वह एक रोबोट है अब पूरी फिल्म में आर्यन इस बात पर जोर देता है कि सिफरा को सिर्फ एक रोबोट से ज्यादा एक रोबो से ज्यादा के रूप में देखा गया है लेकिन वह लगातार उसे अपना जो है आदेश देने के लिए आ, कह रहा होता है जैसा कि कोई जो है एलेक्सा का मानव संस्करण कर रहा हो जो कि सिफरा वास्तव में सिफरा को यानी कि व्यक्तित्व यानी कि विकसित नहीं करती है कोई सवाल नहीं पूछती है और कोई जो है कोई असहजता व्यक्तित नहीं करती है जब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो आर उसे बंद कर देता है सचमुच यहाँ पे उसे अपनी जो है अनुसार बंद कर दिया जाता है जब आर्यन का दोस्त आर्यन और फिर सिफ्रा के रिश्ते में और समानताएं पैदा हो जाता है शक्ति यानी कि गतिशीलताओं के बारे में पता चलता है तो आर्यन शिफ्रा के एक छोटी लड़की की तरह जो है यहाँ पे बताकर उसे जो है सही ठहराता है जो कि अभी भी सीख रही होती यदि आप जो है भ्रमित है तो चिंता ना करें हम अभी भी यहाँ पे बता दें कि टी बी एम यू जे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कबीर सिंह 2019 के बारे में बता रहे हैं कि वही नायक वही दाढ़ी वही यानी कि चेन वही जो एस मुकिंग अलग अलग चीजों को पेश किया गया है फिल्म के एंड में जब उर्मिला यानी कि आखिरकार अपने रोबोट जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप को हो, अग्निहोत्री परिवार की बहू में बदलने की नैतिकता और फिर तर्क पर सवाल उठाती है तो आर्यन एक मोनोलोक देता है जिसमें वह अपनी जो है यानी कि औंटी को अपने जो इरादों और फिर जो यहाँ पे फा के बारे में समझाने की कोशिश करने लग जाता है मैं उसका अब तक का सबसे अच्छा जो है एडमिन बनूंगा बताते हैं आर कहता है कि शाहिद कपूर डिम्पल कबाड़ या पर जो है अपनी सबसे जो है अच्छी यानी कि पॉपी डॉग यानी कि आई सन के बनाते हैं ताकि जो है हमारा ध्यान इस बात से हटा सके कि शादी की एक जो यानी कि धारणा कितनी जो है टेड़ी हो सकती है भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में पुरुष रोबोट को आमतौर पर उनके जो है निर्माता की बुद्धि की अभिव्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जाता है एक यहाँ पे फ्रेक्टेशन यानी प्रयोग की सही जो है साबित हुआ और फिर जो है जो मूल यानी व्यक्तित्व विकसित करने और फिर एजेंसी का प्रयोग करने का मौका दिया जाता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पे रजनीकांत अभिनेत्र यानी ब्लॉक बास्टर एंट्रिय 2010 में हम जो है चिट्ठी से मिलते हैं एक रोबोट जो कि अपने निर्माता और फिर जो है यहाँ पे वैज्ञानिक डॉक्टर जो है वशीकरण के मॉडल पर बना हुआ था जो कि हालांकि वह जल्दी ही एक साधारण जो है आदेश पालन करने वाली मशीन से एक यहाँ पे आत्मा जो है जागरूकता इकाई में विकसित हो जाता है वो खुद के लिए सोचने और फिर जो है प्यार इस चर्य और फिर जो क्रोध जैसी जो है भावनाओं को महसूस करने में सक्षम है जैसे जैसे चिट्ठी अधिक जो है संवेदनशील होता चला जाता है उसे नियंत्रित करना भी काफी ज्यादा अधिक कठिनाई हो जाती है वही दोस्तों इसके जो है विपरीत सिफरा एक पुरुष की इच्छाओं का अवतार देती है जैसा है कि उसके जो है डिजिटल यानी कि पद चिन्ह से ये पता चलता है कि केवल जो यहां यहां है यहाँ पे अधीनता की यहाँ पे विशेषताए है ये जो है लगभग ये लगभग जो है ऐसा है कि ऐसे जैसे कि महिला यानी कि रोबोट के लिए यहाँ पे बुद्धि मानते की आवश्यकताएं नहीं है क्योंकि वह केवल सेवा करने के लिए मौजूद है भले ही एक संक्षिप्त और फिर जो है रोमांचक रोमांचकारी अंतराल यह है कि जिसमें वह अभिनय करती है और फिर जो है आदेशों का पालन करने से इनकार कर देती है सिर्फ के लिए कोई वास्तविक चरित्र चाप नहीं है केवल आपको बता दें एक क्षण ये है कि जिसमें वह एक यानी कि पूछती है कि क्या रोबोट होना एक बुरी बात है एक यहाँ पे अंतरिक्षता का यहाँ पे संकेत देते हुए लेकिन यहाँ पे बीजेम योजे की किसी भी कि अस्तित्व यानी कि प्रश्न में नहीं उलझ पाती ये भी एक सवाल है इस फिल्म के अंदर वही आपको बता दें महिला रोबोट को एक एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि उसके प्र जो कि उसके प्रशासक की इच्छाओं के लिए यहाँ पे भावशून्य वाहन है जो पड़ोस में रहने वाले एक युवक को पता चलता है कि सिफरा एक रोबोट है तो उसका जो है पहला सह जाता ज्ञान और उस पर जो है एक चाल चलना है जबकि वह उसके जो है यहाँ पे स्पर्श को विनम्रता पूर्ण स्वीकार कर दिया जाता है, उसे यौन उत्पीड़न का शिकार होने से बचाने के लिए आर्यन को क्रोध में आना पड़ जाता है ये न केवल जो विचलित करने वाला है बल्कि ये जो है बेकार का दृश्य है इस बात का इस बात का भी संकेत दिया जाता है कि फिल्म में जो है यहाँ पे पुरुषत्व और फिर जो है इस तत्वों के आदेशों की कल्पना कैसे की गई है सिफर भारी वजन उठा सकती है और फिर जो है जटिल यहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर सकती है लेकिन उसे अभी भी खुद को बचाने के लिए एक असली आदमी की जरूरत है जब वह पुरुष अधिक जब वह पुरुष अधिकार की अवहेलना करती है तो वह जो है भयानक हो जाती है और फिल्म में उसे उसके विद्रोह के लिए दंडित भी किया जाता है वही दोस्तों बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा या का अंतिम दृश्य हमें जो है कई तरह की अप्रत्याशित जो है घटनाओं से रूबरू करवाता है जिसमें एक आश्चर्यजनक जो है कैमियों भी शामिल है जिससे हम जो है खराब नहीं करेंगे और ये जो है पुष्टि किया गया है कि आर्यन और फिर शिफरा की कहानी जो है जारी रहेगी जो कि अधिकांश भाग के लिए फिल्म जो है मनोरंजन करने में सफल रहा है हालांकि दूसरे भाग में हादसियाँ थका हुआ लगने लग जाता है वही आपको बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा चाहिए हमें ये सवाल छोड़ हमें हमारे अंदर ये सवाल छोड़ देता है कि आप जो है वास्तविक जो है भावनाओं वाले एक अपूर्ण इंसान से प्यार करना पसंद करेंगे या फिर जो है प्रोग्रामिंग वाले एक आदर्श रोबोट से अगर कुछ और नहीं तो दोस्तों फिल्म और फिर जो है फिल्म में और शिफ्रा और जिसने जो है फ़िल्म को ये बढ़ावा देने के लिए सैनन के असली जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने जो है कब्जे में लिया है आपको बता दें कि तकनीकी और फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने अपने जो है संबंधों का यहाँ पे पुनर् पुनर, पुनर यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया है तो दोस्तों आप लोग को आज का कहानी जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में मैंने रिव्यू कर दिया है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को जो कि 2024 में ही ये फिल्म रिलीज हुई है तो आइए दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में पचहत्तर करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म हिट साबित हुई है इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज के बारे में हम बात करें तो 9 फरवरी 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था वही दोस्तों बता दें हिंदी भाषा में ये फिल्म रिलीज हुआ था और इस फिल्म की रनिंग टाइम के, के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में शाहिद कपूर कीर्ति सोनून डिम्बल कुमारी और धर्मेंद्र अभिन्या करते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एक लेकिन मूवी इफेक्ट पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी ओ सुन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिलों में ऐसा उलझा जिया फ़िल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग शाहद कपूर के फैन हो और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है की दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको अभी पर देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को 2024 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे वैसे दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको बहुत ही बढ़िया कहानी देखने को मिलती है ये फिल्म साइंस के ऊपर बेस्ड है ठीक साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको अभी कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी यूट्यूब चैनल पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म में दिखाया गया है, है? आर्यन अग्निहोत्री यानी कि शाहिद कपूर अपनी मौसी उर्मिला निम्बल कबाड़िया की कंपनी में काम करने वाला एक रोबोटिक्स इंजीनियर है फिर उनका परिवार चाहता है कि वह किसी लड़की से जल्दी शादी करके अपने घर बसा ले, लेकिन आर्यन अपनी शादी की योजना को टालता रहता है किसी न किसी बहाने वही अपनी मौसी के निमंत्रण पर आर्यन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चला जाता है काम करने के लिए इसके बाद वो अपनी मौसी के पास यूएसए चला जाता है जहाँ पे उर्मिला को एक महत्वपूर्ण कॉल आती है और वह एक आपातकालीन कार्य को निपटाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है अब आगे आगे दोस्तों उर्मिला अपनी के से उसकी है एक दूसरे के करीब आने के बाद कोई मुसीबत नहीं होता है लेकिन जब दोनों में प्यार हो जाता है तब जाकर इन दोनों में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है प्यार होने के बाद पता चलता है कि शिफ्रा एक ह्यूमन रोबोट है इसके बाद आर्यन ने क्या किया क्या वो शिफ्रा को भूल गया उसने किससे शादी की अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म एक बार बैठ जरूर देखना पड़ेगा अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कहानी बहुत ही सरल है लेकिन जो बात फिल्म के साथ अच्छी तरह से काम कर जाती है वह यह है कि इसका मज़ेदार पहलू जो कि निर्माताओं को अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कोई बढ़िया कहानी नहीं है इस फिल्म में दिखाने के लिए इसलिए दोस्तों उन्होंने फिल्म में चुटपुले और फ्यज्ल तिथियाजनक जो कॉमेडी का तड़का लगाया है थोड़ा थोड़ा करके शाहिद कपूर द्वारा अपने परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कृति सुनोन एक इंसान है हमें जो है काफी ज्यादा कॉमेडी और बुदगुदाती है इस फिल्म में वही इस फिल्म में कई ऐसे पल भी है जो कि आपको हंसा देंगे लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वहीं बता दें क्लाइमेक्स से पहले का एपिसोड जिसमें जो रोबोट में खराबी आती है तो हमें और आपको इस फिल्म में पता चलता है और काफी ज्यादा हंसी भी आती है और इस बीच हम काफी ज्यादा इस फिल्म से एंजॉय भी करते हैं इसी सीक्वेंस में कीर्ति सुनोन का अभिनय शानदार हमें देखने को मिला है जहां पर डिम्बल कवारिया ने अपने किरदार में कमाल का अभिनय किया है वहीं फिल्म का आइडिया द आइडिया ही दिलचस्प है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई दूसरी फिल्म है आपको ये फिल्म देखने के बाद लगेगा वही आपको बता दें फिल्म के हीरो शाहिद कपूर ने फिल्म में कमाल का काम किया है कीर्ति के रोबोट होने का पता चलने के बाद जिस तरह से अभिनेता ने अपनी भावनाओं और फिर जो हताशा को दर्शाया है अपनी हताशा को दर्शाया है वह कमाल का लगता है शाहिद कपूर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है फिल्म में और फिर जो है फिनाले में उनका इमोशनल अभिनय प्रभावशाली है हाल ही में शाहिद अधिक जो है गंभीर भूमिकाओं में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उनका मजेदार पक्ष हमें देखने को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सोन ने सिफरा के रूप में शानदार परफॉर्म दी है और ये निश्चिंत रूप से एक आसान भूमिका नहीं है उनके लिए लेकिन कीर्ति सोन ने इस इस भूमिका को आसानी से और फिर जु पूर्णता के साथ निभाई है वह बेहद खूबसूरत दिखी है इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी मुख्य जोड़ी की हॉट के किमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इस फिल्म के गाने सुधाने हैं और फिर देर से आंखों को सुकून देने वाले हैं वहीं अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में तो बता दें इस फिल्म का एक पहलू जिसमें जो है बहुत सुधार की आवश्यकताएं थी और वो ये है कि इसका भावनात्मक पहलू कुछ अच्छे भावनात्मक क्षण भी है लेकिन वह मज़ेदार पहलू के सामने दब जाते हैं इसलिए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक के संपूर्ण मनोरंजन नहीं बन पाई है इस साल क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण गायब है क्योंकि हल्की फुल्की कॉमेडी का आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन हम पूरी होने के बाद भी इसमें कुछ खास नहीं पेश किया गया है वही फिल्म कभी कभी धीमी हो जाती है और फिर जो है संपादन टीम को कुछ पारिवारिक दृश्यों की लंबाई कम करनी चाहिए थी क्योंकि वह बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाते हैं के बारे में हम बात करें तो धर्मेंद्र के चरित्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है और ये कव जो है विकसित हुई है जिसकी वजह से वरिष्ठ अभिनेता के प्रदर्शन और फिर उनकी पहली फिल्म रॉकी और फिर रानी में उनके चरित्र ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था लेकिन ये जो है रोमांटिक कॉमेडी यानी कि इस पहलू में थोड़ा सा निराश हमें करके जाता है वहीं तकनीकी पहलू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आपको बता दें अच्छे गाने की जरूरत होती है और फिर जो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में ये जो है बात आती है कि टाइटल ट्रैक यहाँ पे अखिया गुलाब और फिर जो है लाल पीली अखिया सुनने और देखने में बहुत ही बढ़िया है अब लक्ष्मण उटेकर के विजुअल देखने में बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म में दमदार प्रोडक्शन वैल्यू भी फिट किया गया है निर्देशक अमित जोशी और फिर जो आराधना शाह ने अच्छा काम किया है और वह यहाँ पे नियमित अंतराल पर मनोरंजन क्षण जोड़ने में सफल रही है लेकिन भावनात्मक क्षणों और फिर जो है नाटकीयता के मामले में लेखन विभाग जो है बेहतर काम कर सकता था वही कुल मिलाकर दोस्तों बातों में ऐसा उलझा जिया एक टाइम एक टाइम पास करने वाली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें कई मजेदार पल हैं। निर्माता का इरादा लगातार जो है मनोरंजन प्रदान करना है और वह इस मामले में सफल भी हुए हैं जहाँ पे शाहिद कपूर और कीर्ति सरोन अपने किरदारों में बहुत ही अच्छी दिखी है और उनकी केमिस्ट्री कमाल की है हालांकि भवनात्मक गहराई गायब है फिल्म से जो कि इस फिल्म को अगले स्तर तक पहुँचाने में सक्षम रहता था साथ ही कई बार जो फिल्म धीमी हो जाती है अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी देखना पसंद आता है तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको जरूर एक बार देखना चाहिए दोस्तों यदि आपने अभी तक अमित जोशी और आराधना शाह की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार इस फिल्म को पहले देखिए दोस्तों 2024 दो का ट्रेलर देखा गया तब दोस्तों ये लगा था कि आपने जो है मुलत फिल्म का पहला भाग देख लिया है फिल्म में आर्यन अग्निहोत्री शाहिद कपूर है जिसके बारे में हमें बताया गया है वह एक संतार रोबोटिक्स इंजीनियर है फिल्म में जो कि खुद को सिफरा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन नामक रोबोट के लिए आकर्षित हो जाते हैं फिर उसकी मौसी उर्मिला डिम्पल कबाड़िया है जो कि ई रोबोटिक्स की प्रमुख है जिनकी कंपनी को सिफरा की बनाने में तेरह साल का परीक्षण और फिर यहाँ पे तो का सामना करना पड़ा था हमें बताया गया है कि सिफरात जैसे रोबोट भविष्य के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसमें वो अकेले कमजोर लोगों की देखभाल और जो जो है है साथ 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 उनके प्रदान करेंगे इसी के इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि सिफरा हर भाषा बोल सकती है हर भोजन बना सकती है दुनिया की हर चीज के बारे में उसे ज्ञान है उर्मिला काम के बहाने आर्यन को अमेरिका आने का निमंत्रण दे देती है लेकिन ये वास्तव में आर्यन और सिफरा दोनों के लिए एक परीक्षण था हमें बाद में पता चलता है कि उर्मिला ने सिफरा को आर्यन की पसंद और फिर जो नाप पसंद को दर्शाने और उसकी जो है अलमारी को व्यस्त करने और फिर उसके लिए कॉफी बनाने और साथ ही साथ उससे प्यार करने के लिए जो है प्रोग्राम किया था एक जादुई दिन के बाद जो है जिसके दौरान जो है आर्यन सिफरा को हिंदी जो है इस और फिर जो है धुमरा सिखाती है और एक रात का स्टैंड यानी कि जिसके बाद जो आर्यन सोचता है कि तुम आजाद नहीं लगती सच्चाई सामने उसके आ जाती है वही इसके बाद दोस्तों आर्यन का टेक्निकी जो है पुरुष कि अहंकार इस बात से आहत हो जाता है कि उर्मिला और फिर सिफरा ने उसके उसे बेवकूफ़ बनाया लेकिन फिर भी जो है वह खुद को जो है रोबोट की ओर रोबोट की ओर जो है बेताब ही रहता है सिफरा के लिए उसके प्यार को फिल्म में ईमानदारी से दिखाया गया है भले वह इस तथ्य को नजरअंदाज करने में थोड़ा सा जल्दबाजी करता है कि वह एक रोबोट ही एक रोबोट है जिसे जो है उसकी काल्पनिक जो है महिला बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब तक जो इंटरवल आता है तो आर्यन के पास तीन समस्याओं को हल करने की एकदम सही योजनाएं होती है सबसे पहले उसका प्रेम रोग उसके बाद सिफरा के कौशल को और उसके बाद जो है परटने की के उर्मिला की उत्सुकता और आर्यन की मां की जो अपने बेटे के लिए एक शानदार शादी की योजना अब इसके बाद आर्यन सिफरा को मुंबई अपने घर लेकर आता है और फिर उसे अमेरिका से अपने जो है प्रेम का के रूप में सभी के सामने पेश करता है अगर आप इस बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको बता दें कि टीबी ए एमूजा का पहला भाग जो है निस्ंदेह मनोरंजन है जहाँ पे शाहिद यहाँ पे शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने यहाँ पे अंतर जीत जो है हास्य क्षणों में कुशलता से काम किया है और वह लगभग लग एक दशक के बाद उन्हें जो है डांस करते हुए देखना आपको अच्छा लगता है हालांकि वह आर्यन को वास्तव में जो है पसंद करने लायक बनने में विफल रहे हैं क्योंकि सुन शिफरा के रूप में विश्वसनीय प्रदर्शन दी है न केवल वह शानदार दिखी है बल्कि वह दर्शकों को बिल्कुल वही देती है जो कि वह एक रोबोट से उम्मीद करते हैं यहाँ पे मृत आंखों से लेकर जो है यहाँ पे भाव शून्य आवाज़ तक जो है और व्यवहार संबंधित जो है बीच चित्रताओं जो कि यहाँ पे ज़्यादातर उनके यूएस से होने का कारण जो है माना जाता है आपको बता दें बेरेट पहने और फिर जो है हमेशा जो है रोमांटिक रहने वाले धर्मेंद्र ने रोकी और फिर जो है रानी की प्रेम कहानी दो में अपने दादा की भूमिका को निभाई है वही बता दें हालांकि इस फिल्म में उन्हें बहुत कम उन्हें बहुत कम करना पड़ा है क्योंकि हालांकि उन्हें शराब की एक बड़ी जो है बोतल के इर्द गिर्द थोड़ी देर के लिए नाचने को मिला है बता दें कबाड़िया को एक ऐसे किरदार में ढाला गया जो कि निराशाजनक रूप से सीमित रह गया है यह उर्मिला जिस दिमाग से सिफरा पैदा हुई है तो यहाँ पे बता दें कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कहे जो है अधिक यानी कि शामिल जाए भूमिका यहाँ पे मिलनी चाहिए थी इस प्लब में लेकिन जो सिफरा की तरह हुआ केवल जो है नायक की एक छाव को जीबंद करने के लिए मौजूद है यह कभी कभी, बता। यह कभी 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 बता भी पता चलता है कि उसने को आर्यन से रोमांटिक रूप से जो आकर्षित करने के लिए क्यों डिजाइन किया गया जब वह रोबोट के प्यार में पड़ जाता है तो वह क्यों जो है अंचभीत महसूस करता है छोटे मोटे सवालों के बावजूद जो है सिफरा और फिर आर्यन का पनपता रोमांस मजेदार आपको देखने को लगेगा अब छोटे मोटे सवालों के बावजूद वे सिफरा और आर्यन का जो है पनपता रोमांस मज़ेदार है आर्यन के परिवार के लिए सिफरा आदर्श बहू है वह कुछ ही सेकंड में ढेर सारा खाना पका सकती है और ठीक ठीक काम कर सकती है हालांकि वह सभी जो है आदेशों को अच्छी तरह से निभाती है और जैसे कि आर्यन की माँ बताती है कि वह एक मानव बर्बी यानी कि गुड़िया की तरह दिखती है एक महिला रोबोट का एक जो है विशेष यानि कि भारतीय बहु के रूप में मुखौटा लगाने का आधार उनपे कुछ यानी कि बदकिस्मत लोगों के लिए नया नहीं है 2016 का यहाँ पे टेलीविजन सीट कॉम बहु यानी कि हमारे जो है रजनीकांत याद आ जाते जा पे दोस्तों बीजेम शो की तुलना में अधिक जो है चमक यहाँ पे चमकदार हो सकता है लेकिन इस आधार के केंद्र में सहजता और फिर जो और सहजता बनी हुई है क्या एक महिला को तभी आदर्श माना जाता है जब वह एक रोबोट हो जो कि बिना थके और विशेष रूप से जो परिवार की सेवा हमेशा ही करती रहती है शुरुआती दृश्य में आर्यन अपनी जो है घरेलू घरेलू जो है सहायिकाओं को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वह जो खाना बनाती है वह उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्वाद उसमें रहता है बाद में वह सिफरा द्वारा जो उसके लिए बनाए गए भोजन की प्रशंसाएं करता है अपनी पहली मुलाकात में आर्यन सिफरा से कहता है कि उसे उसके बाद जो सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना जो है सारा काम खुद करना पसंद है अगली पंक्ति में वह उससे कॉफी लाने के लिए कहता है और ये ध्यान देने योग्य है कि इस बिंदु पर वह नहीं जानता कि वह एक रोबोट है अब पूरी फिल्म में आर्यन इस बात पर जोर देता है कि सिफरा को सिर्फ एक रोबोट से ज्यादा एक रोबोट से ज्यादा के रूप में देखा गया है लेकिन वह लगातार उसे अपना जो है आदेश देने के लिए आ, कह रहा होता है जैसा कि कोई जो है एलेक्सा का मानव संस्करण कर रहा हो जो कि शिफरा वास्तव तो में शिफरा को यानी कि व्यक्तित्व यानी कि विकसित नहीं करती है कोई सवाल नहीं पूछती है और कोई जो है आ, कोई असहजता व्यक्तित नहीं करती है जब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो आर्यन उसे बंद कर देता है सचमुच यहाँ पे उसे अपनी जो है इच्छा अनुसार बंद कर दिया जाता है जब आर्यन का दोस्त आर्यन और फिर के रिश्ते में और असमानताएं पैदा हो जाता है शक्ति यानी कि गतिशीलताओं के बारे में पता चलता है तो आर्यन शिफ्रा के एक छोटी लड़की की तरह जो यहाँ पे बताकर उसे जो है सही ठहराता है जो कि अभी भी सीख रही होती यदि आप जो है भरमित है तो चिंता ना करें हम अभी भी यहाँ पे बता दे की टी बी एम यू जे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कबीर सिंह 2019 के बारे में बता रहे हैं कि वही नायक वही दाढ़ी वही यानी कि चेन वही जो स्मोकिंग अलग अलग चीजों को पेश किया गया है फिल्म के एंड में जब उर्मिला यानी कि आखिरकार अपने रोबोट जो है यहाँ पे फोटो टाइप को हो, अग्निहोत्री परिवार की बहू में बदलने की नैतिकता और फ्योह तर्क पर सवाल उठाती है तो आर्यन एक मोनोलॉग देता है जिसमें वह अपनी जो है यानी कि औंटी को अपने जो इरादों और फिर जो है यहाँ पे फकवदा के बारे में समझाने की कोशिश करने लग जाता है मैं उसका अब तक का सबसे अच्छा जो है एडमिन बनूंगा बताते हैं आर्यन कहता है कि शाहिद कपूर डिम्पल कबाड़ पर जो अपने सबसे जो है अच्छी यानी कि डॉग यानी कि आईस यान बनाते हैं ताकि जो है हमारा ध्यान इस बात से हटा सके कि शादी की एक जो यानी कि धारणा कितनी जो है टेढ़ी हो सकती है भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में पुरुष रोबोट को आमतौर पर उनके जो है निर्माता की बुद्धि की अभिव्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जाता है एक यहाँ पे फ्री यानी प्रयोग की सही जो है साबित हुआ और फिर जो जो विकसित करने और फिर एजेंसी का प्रयोग करने का मौका दिया जाता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पे रजनीकांत अभिनेत्रि ब्लॉक बास्टर इंट्रिय दो हजार दस में हम जो है चिट्ठी से मिलते हैं एक रोबोट जो कि अपने निर्माता और फिर जो है यहाँ पे वैज्ञानिक डॉक्टर जो है वशीकरण के मॉडल पर बना हुआ था जो कि हालांकि वह जल्दी ही एक साधारण जो है आदेश पालन करने वाली मशीन से एक यहाँ पे आत्मा जो है जागरूकता इकाई में विकसित हो जाता है वो खुद के लिए सोचने और फिर जो है प्यार इस और फिर जो है क्रोध जैसी जो है भावनाओं को महसूस करने में सक्षम है जैसे जैसे चिट्ठी अधिक जो है संवेदनशील होता चला जाता है उसे नियंत्रित करना भी काफी ज्यादा अधिक कठिनाई हो जाती है वही दोस्तों इसके जो है विपरीत सिफरा एक पुरुष की इच्छाओं का अवतार देती है जैसा कि उसके जो है डिजिटल यानी कि पद चिन्ह से ये पता चलता है कि केवल जो है यहाँ पे अधीनता की यहाँ पे विशेषताएं है ये जो है लगभग ये लगभग जो है ऐसा है कि ऐसे जैसे कि महिला यानी कि रोबोट के लिए यहाँ पे बुद्धि मानते की आवश्यकताएं नहीं है क्योंकि वह केवल सेवा करने के लिए मौजूद है भले ही एक संक्षिप्त और फिर जो है रोमांचक हो अंतराल ये है कि जिसमें वह अभिनय करती है और फिर जो है आदेशों का पालन करने से इनकार कर देती है सिर्फ लिए कोई वास्तविक चरित्र चाप नहीं है केवल आपको बता दें एक क्षण यह है कि है कि कि जिसमें वह एक यानी पूछती है क्या रोबोट होना एक बुरी बात है एक यहाँ पे का और पे संकेत देते हुए लेकिन यहाँ पे बीजेम यूजे की किसी भी यानी कि अस्तित्व अस्तित्वगत यानी कि प्रश्न में नहीं उलझ पाती ये भी एक सवाल है इस फिल्म के अंदर वही आपको बता दें महिला रोबोट को एक एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि उसके प्र... क्योंकि उसके प्रशासन की छाव के लिए यहाँ पे भावशून्य वाहन है जो परोस में रहने वाले एक युवक को पता चलता है कि सिफ्रा एक रोबोट है तो उसका जो है पहला सहजता ज्ञान और उस पर जो है एक चाल चलना है जबकि वह उसके जो है यहाँ पे स्पर्श को विनम्रता पूर्ण स्वीकार कर दिया जाता है उसे यौ उत्पीड़न का शिकार होने से बचाने के लिए आर्यन को क्रोध में आना पड़ जाता है ये न केवल जो विचलित करने वाला है बल्कि ये जो है बेकार का दृश्य है इस बात का इस बात का भी संकेत दिया जाता है कि फिल्म में जो है यहाँ पे पुरुषत्व और फिर जो है इस तत्वों के आदेशों की कल्पना कैसे की गई है सिफर भारी वजन उठा सकती है और फिर जो है जटिल यहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर सकती है लेकिन उसे अभी भी खुद को बचाने के लिए एक असली आदमी की ज़रूरत है जब वह पुरुष अधि जब वह पुरुष अधिकार की अवहेलना करती है तो वह जो है भयानक हो जाती है और फिल्म में उसे उसके विद्रोह के लिए दंडित भी किया जाता है वही दोस्तों बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा का अंतिम दृश्य हमें जो है कई तरह की अप्रत्याशित जो है घटनाओं से रूबरू करवाता है जिसमें एक आश्चर्यजनक जो है कैमियो भी शामिल है जिससे हम जो है खराब नहीं करेंगे और ये जो है पुष्टि किया गया है कि आर्यन और फिर सिफरा की कहानी जो है जारी रहेगी जो कि अधिकांश भाग के लिए फिल्म जो है मनोरंजन करने में सफल रहा है हालांकि दूसरे भाग में हाथियत थका हुआ लगने लग जाता है वही आपको बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हमें ये सवाल छोड़ हमें हमारे अंदर ये सवाल छोड़ देता है कि आप जो है वास्तविक जो है भावनाओं वाले एक अपूर्ण इंसान से प्यार करना पसंद करेंगे या फिर जो है प्रोग्रामिंग वाले एक आदर्श रोबोट से अगर कुछ और नहीं तो दोस्तों फिल्म और फिर जो है फिल्म में और शिफ्रा और जिसने जो है फ़िल्म को ये बढ़ावा देने के लिए सैनन के असली जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने जो है कब्जे में लिया है आपको बता दें कि तकनीकी और फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने अपने जो संबंधों का यहाँ पे पुनर, पुनर यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया है तो दोस्तों आप लोग को आज का कहानी जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में मैंने रिव्यू कर दिया है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को जो कि 2024 में ही ये फिल्म रिलीज हुई है तो आइए दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में पचहत्तर करोड़ रुपए खर्च हुआ है वहीं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो 133 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म हिट साबित हुई है इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज के बारे में हम बात करें तो 9 फरवरी 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था वही दोस्तों बता दें हिंदी भाषा में ये फिल्म रिलीज हुआ था और इस फिल्म के रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टारकाश के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में शाहिद कपूर कीर्ति सोनून डिम्बल कुमारी और धर्मेंद्र अभिनय करते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एक ही मूवी वो पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी सीओ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो और तेरी बातों में ऐसा उलझा जया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों लोग बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा जया फिल्म आपको भी कहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को दो में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे वैसे दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको बहुत ही बढ़िया कहानी देखने को मिलती है ये फिल्म साइंस के ऊपर बेस्ड है साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको अभी कौन सा ओ टी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी यूट्यूब चैनल पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम वही फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब आप हमेशा विस्तार में बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म में दिखाया गया है, है आर्यन अग्निहोत्री यानी कि शाहिद कपूर अपनी मौसी उर्मिला की कंपनी में काम करने वाला एक रोबोटिक्स इंजीनियर है फिर उनका परिवार चाहता है कि वह किसी लड़की से जल्दी शादी करके अपने घर बसा ले। लेकिन आर्यन अपनी शादी की योजना को टालता रहता है किसी न किसी बहाने वही अपनी मौसी के निमंत्रण पर आर्यन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चला जाता है काम करने के लिए इसके बाद वो अपनी मौसी के पास यूएसए चला जाता है जहाँ पे उर्मिला को एक महत्वपूर्ण कॉल आती है और वह एक आपातकालीन कार्य को निपटाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है अब आगे आगे दोस्तों उर्मिला अपनी मैनेजर जो है सिफरा यानी के कि कीर्ति सैन से उसकी अनुपस्थिति में आर्यन का ख्याल रखने के लिए कह देती है और सिफ्रा इतना ज्यादा ख्याल रखती है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एक दूसरे के करीब आने के बाद कोई मुसीबत नहीं होता है लेकिन जब दोनों में प्यार हो जाता है तब जाकर इन दोनों में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है प्यार होने के बाद पता चलता है कि शिफ्रा एक ह्यूमन रोबोट है इसके बाद आर्यन ने क्या किया क्या वो शिफ्रा को भूल गया उसने किससे शादी की अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म एक बार बैठकर जरूर देखना पड़ेगा अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कहानी बहुत ही सरल है लेकिन जो बात फिल्म के साथ अच्छी तरह से काम कर जाती है वह यह है कि इसका मजेदार पहलू जो कि निर्माताओं को अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कोई बढ़िया कहानी नहीं है इस फिल्म में दिखाने के लिए इसलिए दोस्तों उन्होंने फिल्म में चुटपुले और फिरजे पुलिस जनक जो कॉमेडी का तड़का लगाया है थोड़ा थोड़ा करके शाहिद कपूर द्वारा अपने परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कृति सुनून एक इंसान है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और गुदगुदाती है इस फिल्म में वही इस फिल्म में कई ऐसे पल भी है जो कि आपको हंसा देंगे लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वहीं बता दें क्लाइमेक्स से पहले का एपिसोड रोबोट में, में खराबी आती है तो हमें और आपको इस फिल्म में पता चलता है और काफी ज्यादा हंसी भी आती है और इस बीच हम काफी ज्यादा इस फिल्म से इंजॉय भी करते है इसी सिक्वेंस में कीर्ति सुनोन का अभिनय शानदार हमें देखने को मिला है जहाँ पर डिम्बल कवारिया ने अपने किरदार में कमाल का अभिनय किया है वही फिल्म का आइडिया दी आइडिया ही दिलचस्प है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई दूसरी फिल्म है आपको ये फिल्म देखने के बाद लगेगा वही आपको बता दे फिल्म के हीरो शाहिद कपूर ने फिल्म में कमाल का काम किया है कीर्ति के रोबोट होने का पता चलने के बाद जिस तरह से अभिनेता ने अपनी भावनाओं और फिर जो हताशा को दर्शाया है अपनी हताशा को दर्शाया है वह कमाल का लगता है शाहिद कपूर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है फिल्म में और फिर जो है फिनाले में उनका इमोशनल अभिनय प्रभावशाली है हाल ही में शाहिद अधिक जो है गंभीर भूमिकाओं में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उनका मजेदार पक्ष हमें देखने को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सोन ने सिफरा के रूप में शानदार परफॉर्म दी है और यह निश्चिंत रूप से एक आसान भूमिका नहीं है उनके लिए लेकिन कीर्ति सोन ने इस इस भूमिका को आसानी से और फिर जो है पूर्णता के साथ निभाई है वह बेहद खूबसूरत दिखी है इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी मुख्य जोड़ी की हॉट के केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इस फिल्म के गाने सुधाने हैं और फिर देर से आंखों को सुकून देने वाले हैं वहीं अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में तो बता दें इस फिल्म का एक पहलू जिसमें जो है बहुत सुधार की आवश्यकताएं थी और वो ये है कि इसका भावनात्मक पहलू कुछ अच्छे भावनात्मक क्षण भी है लेकिन वह मजेदार पहलू के सामने दब जाते हैं इसलिए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक के संपूर्ण मनोरंजन नहीं बन पाई है इस साल क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण गायब है क्योंकि हल्की फुल्की कॉमेडी का आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन इसलिए हम पूरी होने के बाद भी इसमें कुछ खास नहीं पेश किया गया है वही फिल्म कभी कभी धीमी हो जाती है और फिर जो है संपादन टीम को कुछ पारिवारिक दृश्यों की लंबाई कम करनी चाहिए थी क्योंकि वह बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाते हैं धर्मेंद्र के बारे में हम बात करें तो धर्मेंद्र के चरित्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है और ये कम जो है विकसित हुई है जिसकी वजह से वरिष्ठ अभिनेता के और फिर उनकी पहली फिल्म रॉकी और फिर रानी में उनके चरित्र ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था लेकिन ये जो है रोमांटिक कॉमेडी यानी कि इस पहलू में थोड़ा सा निराश हमें करके जाता है वहीं तकनीकी पहलू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आपको बता दें अच्छे गाने की जरूरत होती है और फिर जो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में ये जो है बात आती है कि टाइटल ट्रैक हाँ पे अखिया अखिया गुलाब और और फिर जो है लाल पीली सुनने देखने में बहुत ही बढ़िया है अब लक्ष्मण उटेकर के विजुअल देखने में बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म में दमदार प्रोडक्शन वैल्यू भी फिट किया गया है निर्देशक अमित जोशी और, और फिर जो आराधना शाह ने अच्छा काम किया है और वह यहाँ पे नियमित अंतराल पर मनोरंजन क्षण जोड़ने में सफल रही है लेकिन भावनात्मक क्षणों और फिर जो है नाटक मामले में लेखन विभाग जो है बेहतर काम कर सकता था वहीं कुल मिलाकर दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा किया एक टाइम एक टाइम पास करने वाली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें कई मजेदार पल हैं। निर्माता का इरादा लगातार जो है मनोरंजन प्रदान करना है और वह इस मामले में सफल भी हुए हैं जहाँ पर शाहिद कपूर और कीर्ति सरोन अपने किरदारों में बहुत ही अच्छी दिखी है और उनकी केमिस्ट्री कमाल की है हालांकि भावनात्मक गहराई गायब है फिल्म से जो कि इस फिल्म को अगले स्तर तक पहुंचाने में सक्षम रहता था साथ ही कई बार जो फिल्म धीमी हो जाती है अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी देखना पसंद आता है तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको जरूर एक बार देखना चाहिए दोस्तों यदि आपने अभी तक अमित जोशी और आराधना शाह की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार इस फिल्म को पहले देखिए दोस्तों 2024 दो का ट्रेलर देखा गया तब दोस्तों ये लगा था कि आपने जो है मुलत फिल्म का पहला भाग देख लिया है फिल्म में आर्यन अग्निहोत्री शाहद कपूर है जिसके बारे में हमें बताया गया है वह एक शानदार रोबोटिक्स इंजीनियर है फिल्म में जो की खुद को सिफरा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन नामक रोबोट के लिए आकर्षित हो जाते हैं फिर उसकी मौसी उर्मी डिम्पल कबाड़िया है जो कि ई रोबोटिक्स की प्रमुख है जिनकी कंपनी को सिफरा की बनाने में तेरह साल का परीक्षण और फिर यहाँ पे का सामना करना पड़ा था हमें बताया गया है कि सिफरा जैसे रोबोट भविष्य के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसमें वो अकेले कमजोर लोगों की देखभाल और फिर जो है साथ उनके साथ जो है प्रदान करेंगे इसी के साथ इस फिल्म में ये भी बताया गया है की शिफरा हर भाषा बोल सकती है हर भोजन बना सकती है दुनिया की हर चीज के बारे में उसे ज्ञान है उर्मिला काम के बहाने आर्यन को अमेरिका आने का निमंत्रण दे देती है लेकिन ये वास्तव में आर्यन और सिफरा दोनों के लिए एक परीक्षण था हमें बाद में पता चलता है कि उर्मिला ने सिफरा को आर्यन की पसंद और फिर जो नाभपसंद को दर्शाने और उसकी जो है अलमारी को व्यस्त करने और फिर उसके लिए कॉफ़ी बनाने और साथ ही साथ उससे प्यार करने के लिए जो है प्रोग्राम किया था एक जादुई दिन के बाद जो है जिसके दौरान जो है आर्यन सिफरा को हिंदी जो है इस और फिर जो है धुमरा सिखाती है और एक रात का स्टैंड यानी कि जिसके बाद आर्य सोचता है कि तुम आजाद नहीं लगती सच्चाई सामने उसके आ जाती है वही इसके बाद दोस्तों आर्यन का टेक्निकी जो है पुरुष यानी कि अहंकार इस बात से आहत हो जाता है कि उर्मिला और फिर जो ने उसके उसे बेवकूफ़ बनाया लेकिन फिर भी जो है वह खुद को जो है रोबोट की ओर रोबोट की ओर जो है बेताब ही रहता है सिफ्रा के लिए उसके प्यार को फिल्म में ईमानदारी से दिखाया गया है वाली वह वा इस तथ्य को नजरअंदाज करने में थोड़ा सा जल्दबाजी करता है कि वह एक रोबोट ही एक रोबोट है जिसे सचमुच जो है उसकी काल्पनिक जो है महिला बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब तक जो इंटरवल आता है तो आर्यन के पास तीन समस्याओं को हल करने की एकदम सही योजनाएं होती है सबसे पहले उसका प्रेम रोग उसके बाद सिफरा के कौशल को और उसके बाद जो है के के उस और की उर्मिला की उत्सुकता और आर्यन की मां की जो अपने बेटे के लिए एक शानदार शादी की योजना अब इसके बाद आर्यन सिफरा को मुंबई अपने घर लेकर आता है और फिर उसे अमेरिका से अपने जो है प्रेमिका के रूप में सभी के सामने पेश करता है अगर आप इस बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको बता दें कि टीबी ए मूजा का पहला भाग जो है निसंदेह मनोरंजन है जापिर शाहिदे शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने यहाँ पे अंतर जीत जो हास्त क्षणों में कुशलता से काम किया है और वह लगभग लग एक दशक के बाद उन्हें जो है डांस करते हुए देखना आपको अच्छा लगता है हालांकि वह आर्यन को वास्तव में जो है पसंद करने लायक बनने में विफल रहे हैं क्यूटी सुन शिफ्रा के रूप में विश्वास ने प्रदर्शन दी है न केवल वह वा शानदार दिखी है बल्कि वह दर्शकों को बिल्कुल वही देती है जो कि वह एक रोबोट से उम्मीद करते हैं यहाँ पे मृत आंखों से लेकर जो है यहाँ पे भाव शून्य आवाज तक जो है और व्यवहार संबंधित जो है बीच चित्रताओं जो कि यहाँ पे ज्यादातर उनके यूएस से होने का कारण जो है माना जाता है आपको बता दें बेरेट पेने और फिर जो है हमेशा जो है रोमांटिक रहने वाले धर्मेंद्र ने रोकी और फिर जो है रानी की प्रेम कहानी दो में अपने दादा की भूमिका को निभाई है वही बता दें हालांकि इस फिल्म में उन्हें बहुत कम उन्हें बहुत कम करना पड़ा है क्योंकि हालांकि उन्हें शराब की एक बड़ी जो है बोतल के इर्द गिर्द थोड़ी देर के लिए नाचने को मिला है बता दें कबाड़िया को एक ऐसे किरदार में ढाला गया जो कि निराशाजनक रूप से सीमित रह गया है यही उर्मिला जिस दिमाग से सिफरा पैदा हुई है तो यहाँ पे आ, बता दें कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कही जो है अधिक यानी कि शामिल जाए भूमिका यहाँ पे मिलनी चाहिए थी इस प्लम में लेकिन जो सिफरा की तरह हुआ केवल जो है नायक की एक छाव को जीवंत करने के लिए मौजूद है ये यह कभी कभी बता ये कभी कभी ये भी पता चलता है कि उसने सिफरा को आर्यन से रोमांटिक रूप से जो है आकर्षित करने के लिए क्यों डिज़ाइन किया गया जब वह रोबोट के प्यार में पड़ जाता है तो वह क्यों जो है अंशभीत महसूस करता है छोटे मोटे सवालों के बावजूद जो है और आर्यन का पनपता रोमांस मजेदार आपको देखने को लगेगा अब छोटे मोटे सवालों के बावजूद वे सिफरा और आर्यन का जो है पनपता रोमांस मज़ेदार है आर्यन के परिवार के लिए सिफरा आदर्श बहु है वह कुछ ही सेकेंड में ढेर सारा खाना पका सकती है और ठीक ठीक काम कर सकती है हालांकि वह सभी जो है आदेशों को अच्छी तरह से निभाती है और जैसा कि आर्यन की माँ बताती है कि वह एक मानव बर्बी यानी कि गुड़िया की तरह दिखती है एक महिला रोबोट का एक जो है विशेष यानी कि भारतीय बहु के रूप में मुखौटा लगाने का आधार उनके कुछ यानी कि बदकिस्मत लोगों के लिए नया नहीं है 2016 का यहाँ पे टेलीविजन सीट कॉम बहु यानी कि हमारे जो है राजनी रजनीकांत याद आ जाते बीजेम शो की तुलना में अधिक जो है चमक यहाँ पे चमकदार हो सकता है लेकिन इस आधार के केंद्र में सहजता और फिर जो असहजता बनी हुई है क्या एक महिला को तभी आदर्श माना जाता है जब वह एक रोबोट हो जो कि बिना थके और विशेष रूप से जो है परिवार की सेवा हमेशा ही करती रहती है शुरुआती दृश्य में आर्यन अपनी जो है घरेलू घरेलू जो है सहायिकाओं को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वह जो खाना बनाती है वह उसके मुकाबले काफी ज्यादा स्वाद उसमें रहता है बाद में वो सिफरा द्वारा जो उसके लिए बनाए गए भोजन की प्रशंसाएँ करता है अपनी पहली मुलाकात में आर्यन सिफरा से कहता है कि उसे उसके बाद जो सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना जो सारा काम खुद करना पसंद है अगली पंक्ति में वह उससे कॉफी लाने के लिए कहता है और ये ध्यान देने योग्य है कि इस बिंदु पर वह नहीं जानता कि वह एक रोबोट है अब पूरी फिल्म में आर्यन इस बात पर जोर देता है कि सीफरा को सिर्फ एक रोबोट से ज्यादा एक रोबोट से ज्यादा के रूप में देखा गया है लेकिन वह लगातार उसे अपना जो है आदेश देने के लिए आ, कह रहा होता है जैसा कि कोई जो है एलेक्सा का मानव संस्करण कर रहा हो जो कि सिफ़रा वास्तव में सिफरा कोई यानी कि व्यक्तित्व यानी कि विकसित नहीं करती है कोई सवाल नहीं पूछती है और कोई जो है आ, कोई असहजता व्यक्तित नहीं करती है जब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो आर्यन उसे बंद कर देता है सचमुच यहाँ पे उसे अपनी जो है अनुसार बंद कर दिया जाता है जब आर्यन का दोस्त आर्यन और फिर जो सिफ़रा के रिश्ते में और पैदा हो जाता है शक्ति यानी कि गतिशीलताओं के बारे में पता चलता है तो आर एस एक छोटी लड़की की तरह जो है यहाँ पे बताकर उसे जो है 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 जो जो है 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 कि अभी भी सीख रही होती यदि आप है भ्रमित है तो चिंता ना करें हम अभी भी यहाँ पे बता दे की टीबी एम यूजे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कबीर सिंह 2019 के बारे में बता रहे हैं कि वही नायक वही दाढ़ी वही यानी कि चेन वही जो है स्मुकिंग अलग अलग चीजों को पेश किया गया है फिल्म के एंड में जब उर्मिला यानी कि आखिरकार अपने रोबोट जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप को अग्निहोत्री परिवार की बहू में बदलने की नैतिकता और फिर तर्क पर सवाल उठाती है तो आर्यन एक मोनोलॉग देता है जिसमें वह अपनी जो है यानी कि आंटी को अपने जो इरादों और फ्य जो है यहाँ पे फा के बारे में समझाने की कोशिश करने लग जाता है मैं उसका अब तक का सबसे अच्छा जो है एडमिन बनूंगा बताता है आर्यन कहता है कि शाहिद कपूर डिम्पल कबाड़ या पर जो है अपनी सबसे जो है अच्छी यानी कि पॉपी डॉग यानी कि आईस सैनिक बनाते हैं ताकि जो है हमारा ध्यान इस बात से हटा सके कि शादी की एक जो यानी कि धारणा कितनी जो है टेढ़ी हो सकती है भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में पुरुष रोबोट को आमतौर पर उनके जो है निर्माता की बुद्धि की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है एक यहाँ पे फ्रेक्टेशन यानी प्रयोग की सही जो है साबित हुआ और फिर जो मूल यानी कि व्यक्तित्व विकसित करने और फिर एजेंसी का प्रयोग करने का मौका दिया जाता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पे रजनीकांत यानी ब्लॉक ब्लॉकबस्टर हजार 2010 में हम जो है चिट्ठी से मिलते हैं एक रोबोट जो कि अपने निर्माता और फिर जो है यहाँ पे वैज्ञानिक डॉक्टर जो है वशीकरण के मॉडल पर बना हुआ था जो कि हालांकि वह जल्दी ही एक साधारण जो है आदेश पालन करने वाली मशीन से एक यहाँ पे आत्मा जो है जागरूकता इकाई में विकसित हो जाता है वो खुद के लिए सोचने और फिर जो है प्यार ईश्वर्य और फिर जो है क्रोध जैसी जो है भावनाओं को महसूस करने में सक्षम है जैसे जैसे चिट्ठी अधिक जो है संवेदनशील होता चला जाता है उसे नियंत्रित करना भी काफी ज्यादा अधिक कठिनाई हो जाती है वही दोस्तों इसके जो है विपरीत सिफरा एक पुरुष की इच्छाओं का अवतार देती है जैसा है कि उसके जो है डिजिटल यानी कि पद चिन्ह से ये पता चलता है कि केवल जो यहां यहां है यहाँ पे अधीनता की यहाँ पे विशेषताए है ये जो है लगभग ये लगभग जो है ऐसा है कि ऐसे जैसे कि महिला यानी कि रोबोट के लिए यहाँ पे बुद्धि मानते की आवश्यकताएं नहीं है क्योंकि वह केवल सेवा करने के लिए मौजूद है भले ही एक संक्षिप्त और फिर जो है रोमांचक रोमांचकारी अंतराल ये है कि जिसमें वह अभिनया करती है और फिर जो है आदेशों का पालन करने से इनकार कर देती है सिर्फ के लिए कोई वास्तविक चरित्र चाप नहीं है केवल आपको बता दें एक क्षण यह है कि जिसमें वह एक यानी कि पूछती है कि क्या रोबोट होना एक बुरी बात है एक यहाँ पे अंतरिक्षता का यहाँ पे संकेत देते हुए लेकिन यहाँ पे योजे की किसी यानी यानी अस्तित्व कि प्रश्न में नहीं उलझ पाती ये भी एक सवाल है इस फिल्म के अंदर वही आपको बता दें महिला रोबोट को एक उप, एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि उसके प्र जो कि उसके प्रशासक की इच्छाओं के लिए यहाँ पे भावशून्य वाहन है जो पड़ोस में रहने वाले एक युवक को पता चलता है कि सिफरा एक रोबोट है तो उसका जो है पहला सहजता ज्ञान और उस पर जो है एक चाल चलना है जबकि वह उसके जो है यहाँ पे स्पर्श को विनम्रता पूर्ण स्वीकार कर दिया जाता है उसे यौन उत्पीड़न का शिकार होने से बचाने के लिए आर्यन को क्रोध में आना पड़ जाता है ये न केवल वो विचलित करने वाला है बल्कि ये जो है बेकार का दृश्य है इस बात का इस बात का भी संकेत दिया जाता है कि फिल्म में जो है यहाँ पे पुरुषत्व और फिर जो है इस तेतों के आदेशों की कल्पना कैसे की गई है सिफरा भारी वजन उठा सकती है और फिर जो है जटिल यहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर सकती है लेकिन उसे अभी भी खुद को बचाने के लिए एक असली आदमी की जरूरत है जब वह पुरुष जब वह पुरुष अधिकार की अवहेलना करती है तो वह जो है भयानक हो जाती है और फिल्म में उसे उसके विद्रोह के लिए दंडित भी किया जाता है वही दोस्तों बता दे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का अंतिम दृश्य हमें जो है कई तरह की अप्रत्याशित जो है घटनाओं से रूबरू करवाता है जिसमें एक आश्चर्यजनक जो है कैमियों भी शामिल है जिससे हम जो है खराब नहीं करेंगे और ये जो है पुष्टि किया गया है कि आर्यन और फिर सिफरा की कहानी जो है जारी रहेगी जो कि अधिकांश भाग के लिए फिल्म जो है मनोरंजन करने में सफल रहा है हालांकि दूसरे भाग में हादसे थका हुआ लगने लग जाता है वही आपको बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हमें ये सवाल छोड़ हमें हमारे अंदर ये सवाल छोड़ देता है कि आप जो है वास्तविक जो है भावनाओं वाले एक पूर्ण इंसान से प्यार करना पसंद करेंगे या फिर जो है प्रोग्रामिंग वाले एक आदर्श रोबोट से अगर कुछ और नहीं तो दोस्तों फिल्म और फिर जो है फिल्म में और शिफ्रा और जिसने जो है फ़िल्म को ये बढ़ावा देने के लिए सैनन के असली जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने जो है कब्जे में लिया है आपको बता दें कि टेक्निकी और फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने अपने जो है संबंधों का यहाँ पे पुनर्मूलक पुनर, पुनर यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया है तो दोस्तों आप लोग को आज का कहानी जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में मैंने रिव्यू कर दिया है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को जो कि 2024 में ही ये फिल्म रिलीज हुई है तो आइए दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में पचहत्तर करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म हिट साबित हुई है इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज के बारे में हम बात करें तो 9 फरवरी 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था वही दोस्तों बता दें हिंदी भाषा में ये फिल्म रिलीज हुआ था और इस फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में शाहिद कपूर कीर्ति सनून डिम्बल कुमारी और धर्मेंद्र अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एक ही मूवी इफेक्ट पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी सीओ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलबातों में ऐसा उलझा जिया फ़िल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फ़ैन हो और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज कई वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे बातों में ऐसा उलझा यह फिल्म आपको कहां पर देखने को मिलेगा इसी के मिले इस साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को दो में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे वैसे दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको बहुत ही बढ़िया कहानी देखने को मिलती है ये फिल्म साइंस के ऊपर बेस्ड है ठीक दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको अभी कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी यूट्यूब चैनल पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के वाई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म में दिखाया गया है आर्यन अग्निहोत्री यानी कि शाहिद कपूर अपनी मौसी उर्मिला निम्बल कबाड़िया की कंपनी में काम करने वाला एक रोबोटिक्स इंजीनियर है फिर उनका परिवार चाहता है कि वह किसी लड़की से जल्दी शादी करके अपने घर बसा ले। लेकिन आर्यन अपनी शादी की योजना को टालता रहता है किसी न किसी बहाने वही अपनी मौसी के निमंत्रण पर आर्यन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चला जाता है काम करने के लिए इसके बाद वो अपनी मौसी के पास यूएसए चला जाता है जहाँ पे उर्मिला को एक महत्वपूर्ण कॉल आती है और वह एक आपातकालीन कार्य को निपटाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है अब आगे आगे दोस्तों उर्मिला अपनी मैनेजर जो शिफ्रा यानी के कि कीर्ति सें से उसकी अनुपस्थिति में आर्यन का ख्याल रखने के लिए कहीं देती है और सिफ्रा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एक दूसरे के करीब आने के बाद कोई मुसीबत नहीं होता है लेकिन जब दोनों में प्यार हो जाता है तब जाकर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है प्यार होने के बाद पता चलता है कि शिफ्रा एक ह्यूमन रोबोट है इसके बाद आर्यन ने क्या किया क्या वो शिफ्रा को भूल गया उसने किससे शादी की अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म एक बार बैठकर जरूर देखना पड़ेगा अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कहानी बहुत ही सरल है लेकिन जो बात फिल्म के साथ अच्छी तरह से काम कर जाती है वह यह है कि इसका मज़ेदार पहलू जो कि निर्माताओं को अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कोई बढ़िया कहानी नहीं है इस फिल्म में दिखाने के लिए इसलिए दोस्तों उन्होंने फिल्म में चुटपुले और फ्यजों परिथियाजनक जो कॉमेडी का तड़का लगाया है थोड़ा थोड़ा करके शाहिद कपूर द्वारा अपने परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कृति सुनून एक इंसान है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और गुदगुदाती है इस फिल्म में वही इस फिल्म में कई ऐसे पल भी है जो कि आपको हंसा देंगे लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वहीं बता दें क्लाइमेक्स से पहले का एपिसोड जिसमें जो रोबोट में खराबी आती है तो हमें और आपको इस फिल्म में पता चलता है और काफी ज्यादा हंसी भी आती है और इस बीच हम काफी ज्यादा इस फिल्म से इंजॉय भी करते हैं इसी सीक्वेंस में कीर्ति सुनोन का अभिनय शानदार हमें देखने को मिला है जहां पर डिम्बल कवारिया ने अपने किरदार में कमाल का अभिनय किया है वहीं फिल्म का आइडिया द आइडिया ही दिलचस्प है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई दूसरी फिल्म है आपको ये फिल्म देखने के बाद लगेगा वही आपको बता दें फिल्म के हीरो शाहिद कपूर ने फिल्म में कमाल का काम किया है कीर्ति के रोबोट होने का पता चलने के बाद जिस तरह से अभिनेता ने अपनी भावनाओं और फिर जो हताशा को दर्शाया है अपनी हताशा को दर्शाया है वह कमाल का लगता है शाहिद कपूर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है फिल्म में और फिर जो है फिनाले में उनका इमोशनल अभिनय प्रभावशाली है हाल ही में शाहिद अधिक जो है गंभीर भूमिकाओं में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उनका मजेदार पक्ष हमें देखने को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सोन ने सिफरा के रूप में शानदार परफॉर्म दी है और यह निश्चिंत रूप से एक आसान भूमिका नहीं है उनके लिए लेकिन कीर्ति सोन ने इस, इस भूमिका को आसानी से और फिर जो है पूर्णता के साथ निभाई है वह बेहद खूबसूरत दिखी है इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी मुख्य जोड़ी की हॉट के केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इस फिल्म के गाने सुधाने हैं और फिर देर से आंखों को सुकून देने वाले हैं वही अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में तो बता दें इस फिल्म का एक पहलू जिसमें जो है बहुत सुधार की आवश्यकताएं थी और वो ये है कि इसका भावनात्मक पहलू कुछ अच्छे भावनात्मक क्षण भी है लेकिन वह मजेदार पहलू के सामने दब जाते हैं इसलिए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक के सम्पूर्ण मनोरंजन नहीं बन पाई है इस साल क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण गायब है क्योंकि हल्की फुल्की कॉमेडी का आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन हम पूरी होने के बाद भी इसमें कुछ खास नहीं पेश किया गया है वही फिल्म कभी कभी धीमी हो जाती है और फिर जो है संपादन टीम को कुछ पारिवारिक दृश्यों की लंबाई कम करनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाते हैं धर्मेंद्र के बारे में हम बात करें तो धर्मेंद्र के चरित्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है और ये कब जो है विकसित हुई है जिसकी वजह से वरिष्ठ अभिनेता के और फिर उनकी पहली फिल्म रॉकी और फिर रानी में उनके चरित्र ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था लेकिन ये जो है रोमांटिक कॉमेडी यानी कि इस पहलू में थोड़ा सा निराश हमें करके जाता है वहीं तकनीकी पहलू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आपको बता दें अच्छे गाने की जरूरत होती है और फिर जो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में ये जो है बात आती है कि टाइटो ट्रेक यहाँ पे अखिया गुलाब और जो है लाल पीली अखिया सुनने और देखने में बहुत ही बढ़िया है अब लक्ष्मण उटेकर के विजुअल देखने में बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म में दमदार प्रोडक्शन वैल्यू भी फिट किया गया है निर्देशक अमित जोशी और फ्यडियो आराधना शाह ने अच्छा काम किया है और वह यहाँ पे नियमित अंतराल पर मनोरंजन जोड़ने में सफल रही है लेकिन भावनात्मक क्षणों और फिर जो है नाट किया था कि मामले में लेखन विभाग काम कर सकता था वही कुल मिलाकर दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा किया एक टाइम एक टाइम पास करने वाली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें कई मजेदार पल हैं निर्माता का इरादा लगातार जो है मनोरंजन प्रदान करना है और वह इस मामले में सफल भी हुए हैं जहाँ पर शाहिद कपूर और कीर्ति सरोन अपने किरदारों में बहुत ही अच्छी दिखी है और उनकी केमिस्ट्री कमाल की है हालांकि भावनात्मक गहराई गायब है फिल्म से जो कि इस फिल्म को अगले स्तर तक पहुँचाने में सक्षम रहता था साथ ही कई बार जो फिल्म धीमी हो जाती है अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी देखना पसंद आता है तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको जरूर एक बार देखना चाहिए दोस्तों यदि आपने अभी तक अमित जोशी और आराधना शाह की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार इस फिल्म को पहले देखिए दोस्तों 2024 का ट्रिलर देखा गया तब दोस्तों ये लगा था कि आपने जो है मुलत फिल्म का पहला भाग देख लिया है फिल्म में आर्यन अग्निहोत्री शाहिद कपूर है जिसके बारे में हमें बताया गया है वह एक संतान रोबोटिक्स इंजीनियर है फिल्म में जो कि खुद को सिफरा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन नामक रोबोट के लिए आकर्षित हो जाते हैं फिर उसकी मौसी उर्मिला डिम्पल कबाड़िया है जो कि ई रोबोटिक्स की प्रमुख है जिनकी कंपनी को सिफरा की बनाने में तेरह साल का परीक्षण और फिर यहाँ पे तो का सामना करना पड़ा था हमें बताया गया है कि सिफरा जैसे रोबोट भविष्य के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसमें वो अकेले कमजोर लोगों की देखभाल और जो साथ साथ जो है है साथ 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 उनके प्रदान करेंगे इसी के इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि सिफरा हर भाषा बोल सकती है हर भोजन बना सकती है दुनिया की हर चीज के बारे में उसे ज्ञान है उर्मिला काम के बहाने आर्यन को अमेरिका आने का निमंत्रण दे देती है लेकिन ये वास्तव में आर्यन और सिफरा दोनों के लिए एक परीक्षण था हमें बाद में पता चलता है की उर्मीला ने सिफरा को आर्यन की पसंद और फिर जो नाप पसंद को दर्शाने और उसकी जो है अलमारी को व्यस्त करने और फिर उसके लिए कॉफी बनाने और साथ ही साथ उससे प्यार करने के लिए जो प्रोग्राम किया था एक जादुई दिन के बाद जो है जिसके दौरान जो है आर्यन सिफरा को हिंदी जो है इस और फिर जो है धुमरा सिखाती है और एक रात का स्टैंड यानी कि जिसके बाद जो आर्यन सोचता है कि तुम आजाद नहीं लगती सच्चाई सामने उसके आ जाती है वही इसके बाद दोस्तों आर्यन का टेक्निकी जो है पुरुष कि अहंकार इस बात से आहत हो जाता है कि उर्मिला और फिर सिफरा ने उसके उसे बेवकूफ़ बनाया लेकिन फिर भी जो है वह ख़ुद को जो है रोबोट की ओर रोबोट की ओर जो है बेताब ही रहता है सिफरा के लिए उसके प्यार को फिल्म में ईमानदारी से दिखाया गया है भली वह वा इस तथ्य को नजरअंदाज करने में थोड़ा सा जल्दबाजी करता है कि वह एक रोबोट ही एक रोबोट है जिसे सचमुच जो है उसकी काल्पनिक जो है महिला बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब तक जो इंटरवल आता है तो आर्यन के पास तीन समस्याओं को हल करने की एकदम सही योजनाएं होती है सबसे पहले उसका प्रेम रोग उसके बाद सिफरा के कौशल को और उसके बाद जो है परटने की उर्मिला की उस सुक्त और आर्यन की मां की जो अपने बेटे के लिए एक शानदार शादी की योजना अब इसके बाद आर्यन सिफरा को मुंबई अपने घर लेकर आता है और फिर उसे अमेरिका से अपने जो है प्रेमिका के रूप में सभी के सामने पेश करता है अगर आप इस बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको बता दें कि टीबी ए मूजा का पहला भाग जो है निसंदेह मनोरंजन है जहा पे शाहिद जहाँ पे शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने यहाँ पे अंतर जीत जो हास्य छुनों में कुशलता से काम किया है और वह लगभग लग एक दशक के बाद उन्हें जो है डांस करते हुए देखना आपको अच्छा लगता है हालांकि वह आर्यन को वास्तव में जो है पसंद करने लायक बनने में विफल रहे हैं क्योंकि सुन शिफरा के रूप में विश्वसनीय प्रदर्शन दी है न केवल वह शानदार दिखी है बल्कि वह दर्शकों को बिल्कुल वही देती है जो कि वह एक रोबोट से उम्मीद करते हैं यहाँ पे मृत आंखों से लेकर जो है यहाँ पे भाव शून्य आवाज़ तक जो है और व्यवहार संबंधित जो है बीच चित्रताओं जो कि यहाँ पे ज्यादातर उनके यूएस से होने का कारण जो है माना जाता है आपको बता दें बेरेट पहने और फिर जो है हमेशा जो है रोमांटिक रहने वाले धर्मेंद्र ने रोकी और फिर जो है रानी की प्रेम कहानी दो में अपने दादा की भूमिका को निभाई है वही बता दे हालांकि इस फिल्म में उन्हें बहुत कम उन्हें बहुत कम करना पड़ा है क्योंकि हालांकि उन्हें शराब की एक बड़ी जो बोतल के इर्द गिर्द थोड़ी देर के लिए नाचने को मिला है बता दे कबाड़िया को एक ऐसे किरदार में ढाला गया जो कि निराशाजनक रूप से सीमित रह गया है यह उर्मिला जिस दिमाग से सिफरा पैदा हुई है तो यहाँ पे आ, बता दे कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कहे जो है अधिक यानी कि शामिल जाए भूमिका यहाँ पे मिलनी चाहिए थी इस प्लब में लेकिन जो सिफरा की तरह हुआ केवल जो है नायक की एक छाव को जीबंद करने के लिए मौजूद है यह कभी -कभी, बता, यह कभी 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 बता भी पता चलता है कि उसने को आर्यन से रोमांटिक रूप से जो है आकर्षित करने के लिए क्यों डिजाइन किया गया जब वह रोबोट के प्यार में पड़ जाता है तो वह क्यों जो है अंचभीत महसूस करता है छोटे मोटे सवालों के बावजूद जो है सिफरा और फिर आर्यन का पनपता रोमांस मजेदार आपको देखने को लगेगा अब छोटे मोटे सवालों के बावजूद वे सिफरा और आर्यन का जो है पनपता रोमांस मज़ेदार है आर्यन के परिवार के लिए सिफरा आदर्श बहू है वह कुछ ही सेकंड में ढेर सारा खाना पका सकती है और ठीक ठीक काम कर सकती है हालांकि वह सभी जो है आदेशों को अच्छी तरह से निभाती है और जैसे कि आर्यन की, की माँ बताती है कि वह एक मानव बर्बी यानी कि गुड़िया की तरह दिखती है एक महिला रोबोट का एक जो है विशेष यानी कि भारतीय बहु के रूप में मुखौटा लगाने का आधार उनके कुछ यानी कि बदकिस्मत लोगों के लिए नया नहीं है 2016 का यहाँ पे टेलीविजन सीट कॉम बहु यानी कि हमारे जो है रजनीकांत याद आ जाते हैं जा जो दोस्तों बी जी एम यूजे शो की तुलना में अधिक जो है चमक यहाँ पे चमकदार हो सकता है लेकिन इस आधार के केंद्र में सहजता और फिर जो और सहजता बनी हुई है क्या एक महिला को तभी आदर्श माना जाता है जब वह एक रोबोट हो जो कि बिना थके और विशेष रूप से जो है परिवार की सेवा हमेशा ही करती रहती है शुरुआती दृश्य में आर्यन अपनी जो है घरेलू घरेलू जो है सहायिकाओं को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वह जो खाना बनाती है वह उसके मुकाबले काफ़ी ज्यादा स्वाद उसमें रहता है बाद में वह सिफरा द्वारा जो उसके लिए बनाए गए भोजन की प्रशंसाएं करता है अपनी पहली मुलाकात में आर्यन सिफरा से कहता है कि उसे उसके बाद सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना जो सारा काम खुद करना पसंद है अगली पंक्ति में वह उससे कॉफ़ी लाने के लिए कहता है और ये ध्यान देने योग्य है कि इस बिंदु पर वह नहीं जानता कि वह एक रोबोट है अब पूरी फिल्म में आर्यन इस बात पर जोर देता है कि सिफरा को सिर्फ एक रोबोट से ज्यादा एक रोबोट से ज्यादा के रूप में देखा गया है लेकिन वह लगातार उसे अपना जो है आदेश देने के लिए आ, कह रहा होता है जैसा कि कोई जो है एलेक्सा का मानव संस्करण कर रहा हो जो कि शिफरा वास्तव में को यानी यानी कि व्यक्तित्व कि विकसित नहीं करती है कोई सवाल नहीं पूछती है और कोई जो है कोई असहजता व्यक्तित नहीं करती है जब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो आर उसे बंद कर देता है सचमुच या पे उसे अपनी जो है इच्छा अनुसार बंद कर दिया जाता है जब आर्यन का दोस्त आर्यन और फिर सिफरा के रिश्ते में और समानताएँ पैदा हो जाता है शक्ति यानी कि गतिशीलताओं के बारे में पता चलता है तो आर्यन शिफ्रा के एक छोटी लड़की की तरह जो है यहाँ पे बताकर उसे जो है सही ठहराता है जो कि अभी भी सीख रही होती यदि आप जो है भरमित है तो चिंता ना करें हम अभी भी यहाँ पे बता दें कि टी बी एम यू जे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कबीर सिंह 2019 के बारे में बता रहे हैं कि वही नायक वही दाढ़ी वही यानी कि चेन वही जो स्मुकिंग अलग अलग चीजों को पेश किया गया है फिल्म के एंड में जब उर्मिला यानी कि आखिरकार अपने रोबोट जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप को हो, अग्निहोत्री परिवार की बहू में बदलने की नैतिकता और फिर तर्क पर सवाल उठाती है तो आर्यन एक मोनोलोक देता है जिसमें वह अपनी जो है यानी कि औंटी को अपने जो इरादों और फ्यो यहाँ पे फकवदा के बारे में समझाने की कोशिश करने लग जाता है मैं उसका अब तक का सबसे अच्छा जो है एडमिन बनूंगा बताते हैं आर्यन कहता है कि शाहिद कपूर डिम्पल कबाड़ यापनी सबसे जो है अच्छी यानी कि डॉग यानी यान कि बनाते हैं ताकि जो है हमारा ध्यान इस बात से हटा सके कि शादी की एक जो यानी कि धारना कितनी जो है टेड़ी हो सकती है भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में पुरुष रोबोट को आमतौर पर उनके जो है निर्माता की बुद्धि की अभिव्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जाता है एक यहाँ पे ने यानी कि प्रयोग की सही जो साबित हुआ और फिर जो मूल यानी कि व्यक्तित्व विकसित करने और फिर एजेंसी का प्रयोग करने का मौका दिया जाता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पे रजनीकांत अभिनेत्र यानी कि ब्लॉक बास्टर 2010 दो में हम जो है चिट्ठी से मिलते हैं एक रोबोट जो कि अपने निर्माता और फिर जो है यहाँ पे वैज्ञानिक डॉक्टर जो है वशीकरण के मॉडल पर बना हुआ था जो कि हालांकि वह जल्दी ही एक साधारण जो है आदेश पालन करने वाली मशीन से एक यहाँ पे आत्मा जो है जागरूकता इकाई में विकसित हो जाता है वो खुद के लिए सोचने और फिर जो है प्यार इस शर्य और फिर जो है क्रोध जैसी जो है भावनाओं को महसूस करने में सक्षम है जैसे जैसे अधिक जो है संवेदनशील होता चला जाता है उसे नियंत्रित करना भी काफी ज्यादा अधिक कठिनाई हो जाती है वही दोस्तों इसके जो है विपरीत सिफरा एक पुरुष की इच्छाओं का अवतार देती है जैसा है कि उसके जो है डिजिटल यानी कि पद चिन्ह से ये पता चलता है कि केवल जो है यहाँ पे अधीनता की यहाँ पे विशेषताए है ये जो है लगभग ये लगभग जो है ऐसा है कि ऐसे जैसे कि महिला यानी कि रोबोट के लिए यहाँ पे बुद्धि मानते की आवश्यकताएं नहीं है क्योंकि वह केवल सेवा करने के लिए मौजूद है भले ही एक संक्षिप्त और फिर जो है रोमांचक रोमांचकारी अंतराल ये है कि जिसमें वह अभिनय करती है और फिर जो है आदेशों का पालन करने से इनकार कर देती है सिर्फ के लिए कोई वास्तविक चरित्र चाप नहीं है केवल आपको बता दें एक क्षण यह है कि जिसमें वह एक यानी कि पूछती है कि क्या रोबोट होना एक बुरी बात है एक यहाँ पे अंतरिक्षता का यहाँ पे संकेत देते हुए लेकिन यहाँ पे बीजेम यूजे की किसी भी यानी कि अस्तित्व यानी कि प्रश्न में नहीं उलझ पाती ये भी एक सवाल है इस फिल्म के अंदर वही आपको बता दें महिला रोबोट को एक एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि उसके प्र, जो कि उसके प्रशासक की इच्छाओं के लिए यहाँ पे भावशून्य वाहन है जो परोश में रहने वाले एक युवक को पता चलता है कि एक रोबोट है, तो उसका जो है पहला ज्ञान और उस पर जो है एक चाल चलना है जबकि वह उसके जो है पे स्पर्श को विनम्रता पूर्ण स्वीकार कर दिया जाता है उसे यौन उत्पीड़न का शिकार होने से बचाने के लिए आर्यन को क्रोध में आना पड़ जाता है ये न केवल जो विचलित करने वाला है बल्कि ये जो है बेकार का दृश्य है इस बात का इस बात का भी संकेत दिया जाता है कि फिल्म में जो है यहाँ पे पुरुषत्व और फिर जो है इस तत्व के आदेशों की कल्पना कैसे की गई है सिफर भारी वजन उठा सकती है और फिर जो है जटिल यहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर सकती है लेकिन उसे अभी भी खुद को बचाने के लिए एक असली आदमी की ज़रूरत है जब वह पुरुष अधि जब वह पुरुष अधिकार की अवहेलना करती है तो वह जो है भयानक हो जाती है और फिल्म में उसे उसके विद्रोह के लिए दंडित भी किया जाता है वही दोस्तों बता दे तेरी बातों में ऐसा उलझा का अंतिम दृश्य हमें जो है कई तरह की अप्रत्याशित जो है घटनाओं से रूबरू करवाता है जिसमें एक आश्चर्यजनक जो है कैमियो भी शामिल है जिससे हम जो है खराब नहीं करेंगे और ये जो है पुष्टि किया गया है कि आर्यन और फिर सिफरा की कहानी जो है जारी रहेगी जो कि अधिकांश भाग के लिए फिल्म जो है मनोरंजन करने में सफल रहा है हालांकि दूसरे भाग में हाथिया थका हुआ लगने लग जाता है वही आपको बता दे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हमें ये सवाल छोड़ हमें हमारे अंदर ये सवाल छोड़ देता है कि आप जो है वास्तविक जो है भावनाओं वाले एक अपूर्ण इंसान से प्यार करना पसंद करेंगे या फिर जो है प्रोग्रामिंग वाले एक आदर्श रोबोट से अगर कुछ और नहीं तो दोस्तों फिल्म और फिर जो है फिल्म में और शिफ्रा और जिसने जो है फिल्म को ये बढ़ावा देने के लिए सैनन के असली जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने जो है कब्जे में लिया है आपको बता दें कि तकनीकी और फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने अपने जो है संबंधों का यहाँ पे पुनर् पुनः यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया है तो दोस्तों आप लोग को आज का कहानी जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में मैंने रिव्यू कर दिया है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को जो कि 2024 में ही ये फिल्म रिलीज हुई है तो आइए दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में पचहत्तर करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म हिट साबित हुई है इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज के बारे में हम बात करें तो 9 फरवरी 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था वही दोस्तों बता दें हिंदी भाषा में ये फिल्म रिलीज हुआ था और इस फिल्म के रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार स्टारकाश्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में शाहिद कपूर कीर्तिशन डिम्बल कुमारी और धर्मेंद्र अभिनय करते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एक ही मूवी वो पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है की दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको भी कहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को 2024 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे वैसे दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको बहुत ही बढ़िया कहानी देखने को मिलती है ये फिल्म साइंस के ऊपर बेस्ड है ठीक साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको अभी कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी यूट्यूब चैनल पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म में दिखाया गया है आर्यन अग्निहोत्री यानी कि शाहिद कपूर अपनी मौसी उर्मिला निवाड़िया की कंपनी में काम करने वाला एक रोबोटिक्स इंजीनियर है फिर उनका परिवार चाहता है कि वह किसी लड़की से जल्दी शादी करके अपने घर बसा ले। लेकिन आर्यन अपनी शादी की योजना को टालता रहता है किसी न किसी बहाने वही अपनी मौसी के निमंत्रण पर आर्यन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चला जाता है काम करने के लिए इसके बाद वो अपनी मौसी के पास यूएसए चला जाता है जहाँ पे उर्मिला को एक महत्वपूर्ण कॉल आती है और वह एक आपातकालीन कार्य को निपटाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है अब आगे आगे दोस्तों उर्मिला अपनी मैनेजर जो है सिफरा यानी के कि कीर्ति सिलेन से उसकी अनुपस्थिति में आर्यन का ख्याल रखने के लिए कहीं देती है और सिफरा इतना ज्यादा ख्याल रखती है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एक दूसरे के करीब आने के बाद कोई मुसीबत नहीं होता है लेकिन जब दोनों प्यार जाता है तब जाकर इन दोनों में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है प्यार होने के बाद पता चलता है कि शिफ्रा एक ह्यूमन रोबोट है इसके बाद आर्यन ने क्या किया क्या वो शिफ्रा को भूल गया उसने किससे शादी की अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म एक बार बैठकर जरूर देखना पड़ेगा अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कहानी बहुत ही सरल है लेकिन जो बात फिल्म के साथ अच्छी तरह से काम कर जाती है वह यह है कि इसका मज़ेदार पहलू जो कि निर्माताओं को अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कोई बढ़िया कहानी नहीं है इस फिल्म में दिखाने के लिए इसलिए दोस्तों उन्होंने फिल्म में चुटपुले और फिरजे प्लस तिथियाजनक जो कॉमेडी का तड़का लगाया है थोड़ा थोड़ा करके शाहिद कपूर द्वारा अपने परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कृति सुनून एक इंसान है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और गुदगुदाती है इस फिल्म में वही इस फिल्म में कई ऐसे पल भी है जो कि आपको हंसा देंगे लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वहीं बता दें क्लाइमेक्स से पहले का एपिसोड रोबोट में, में खराबी आती है तो हमें और आपको इस फिल्म में पता चलता है और काफी ज्यादा हंसी भी आती है और इस बीच हम काफी ज्यादा इस फिल्म से एंजॉय भी करते है इसी सिक्वेंस में कीर्ति सुनोन का अभिनय शानदार हमें देखने को मिला है जहाँ पर डिम्बल कवारिया ने अपने किरदार में कमाल का अभिनय किया है वही फिल्म का आइडिया द आइडिया ही दिलचस्प है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई दूसरी फिल्म है आपको ये फिल्म देखने के बाद लगेगा वही आपको बता दें फिल्म के हीरो शाहिद कपूर ने फिल्म में कमाल का काम किया है कीर्ति के रोबोट होने का पता चलने के बाद जिस तरह से अभिनेता ने अपनी भावनाओं और फिर जो हताशा को दर्शाया है अपनी हताशा को दर्शाया है वह कमाल का लगता है शाहिद कपूर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है फिल्म में और फिर जो है फिनाले में उनका इमोशनल अभिनय प्रभावशाली है हाल ही में शाहिद अधिक जो है गंभीर भूमिकाओं में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उनका मजेदार पक्ष हमें देखने को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सोन ने सिफरा के रूप में शानदार परफॉर्म दी है और यह निश्चिंत रूप से एक आसान भूमिका नहीं है उनके लिए लेकिन कीर्ति सोन ने इस इस भूमिका को आसानी से और फिर जो पूर्णता के साथ निभाई है वह बेहद खूबसूरत दिखी है इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी मुख्य जोड़ी की हॉट के केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इस फिल्म के गाने सुधानी है और फिर देश से आंखों को सुकून देने वाले हैं वहीं अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में तो बता दें इस फिल्म का एक पहलू जिसमें जो है बहुत सुधार की आवश्यकताएं थी और वो ये है कि इसका भावनात्मक पहलू कुछ अच्छे भावनात्मक क्षण भी है लेकिन वह मजेदार पहलू के सामने दब जाते हैं इसीलिए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक के सम्पूर्ण मनोरंजन नहीं बन पाई है इस साल क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण गायब है क्योंकि हल्की फुल्की कॉमेडी का आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन इसलिए हम पूरी होने के बाद भी इसमें कुछ खास नहीं पेश किया गया है वही फिल्म कभी कभी धीमी हो जाती है और फिर जो है संपादन टीम को कुछ पारिवारिक दृश्यों की लंबाई कम करनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाते हैं धर्मेंद्र के बारे में हम बात करें तो धर्मेंद्र के चरित्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है और ये कम जो है विकसित हुई है जिसकी वजह से वरिष्ठ अभिनेता और फिर उनकी पहली फिल्म रोकी और फिर में उनके चरित्र ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था लेकिन ये जो है रोमांटिक कॉमेडी यानी कि इस पहलू में थोड़ा सा निराश हमें करके जाता है वहीं तकनीकी पहलू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आपको बता दें अच्छे गाने की जरूरत होती है और फिर जो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में ये जो है बात आती है कि टाइटल ट्रैक यहाँ पे अखिया गुलाब और फिर जो है लाल पीली अखिया सुनने और देखने में बहुत ही बढ़िया है अब लक्ष्मण उटेकर के विजुअल देखने में बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म में दमदार प्रोडक्शन वैल्यू भी फिट किया गया है निर्देशक अमित जोशी और फिर जो आराधना शाह ने अच्छा काम किया है और वह यहाँ पे नियमित अंतराल पर मनोरंजन क्षण जोड़ने में सफल रही है लेकिन भावनात्मक क्षणों और फिर जो है नाटकीयता के मामले में लेखन विभाग जो है बेहतर काम कर सकता था वहीं कुल मिलाकर दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक टाइम एक टाइम पास करने वाली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें कई मजेदार पल हैं निर्माता का इरादा लगातार जो है मनोरंजन प्रदान करना है और वह इस मामले में सफल भी हुए हैं जहां पे शाहिद कपूर और कीर्ति सरोन अपने किरदारों में बहुत ही अच्छी दिखी है और उनकी केमिस्ट्री कमाल की है हालांकि भावनात्मक गहराई गायब है फिल्म से जो कि इस फिल्म को अगले स्तर तक पहुंचाने में सक्षम रहता था साथ ही कई बार जो फिल्म धीमी हो जाती है अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी देखना पसंद आता है तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको जरूर एक बार देखना चाहिए दोस्तों यदि आपने अभी तक अमित जोशी और आराधना शाह की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार इस फिल्म को पहले देखिए तो दोस्तों 2024 का ट्रिलर देखा गया तब दोस्तों ये लगा था कि आपने जो है मुलत फिल्म का पहला भाग देख लिया है फिल्म में आर्यन अग्निहोत्री शाहिद कपूर है जिसके बारे में हमें बताया गया है वह एक संतार रोबोटिक्स इंजीनियर है फिल्म में जो कि खुद को सिफरा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशंस नामक रोबोट के लिए आकर्षित हो जाते हैं फिर उसकी मौसी उर्मिला डिम्पल कबाड़िया है जो कि ई रोबोटिक्स की प्रमुख है जिनकी कंपनी को सिफरा कीर्तिनोन बनाने में तेरह साल का परीक्षण और फिर यहाँ पे तो का सामना करना पड़ा था हमें बताया गया है कि सिफरा जैसे रोबोट भविष्य के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसमें वो अकेले कमजोर लोगों की देखभाल और जो जो है है साथ साथ उनके प्रदान करेंगे इसी के साथ इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि सिफ्रा हर भाषा बोल सकती है हर भोजन बना सकती है दुनिया की हर चीज के बारे में उसे ज्ञान है उर्मिला काम के बहाने आर्यन को अमेरिका आने का निमंत्रण दे देती है लेकिन ये वास्तव में आर्यन और सिफरा दोनों के लिए एक परीक्षण था हमें बाद में पता चलता है कि उर्मिला ने सिफरा को आर्यन की पसंद और फिर जो नाप पसंद को दर्शाने और उसकी जो है अलमारी को व्यस्त करने और फिर उसके लिए कॉफी बनाने और साथ ही साथ उससे प्यार करने के लिए जो है प्रोग्राम किया था एक जादुई दिन के बाद जो है जिसके दौरान जो है आर्यन सिफरा को हिंदी जो है इस लैंग और फिर जो है धुमरा सिखाती है और एक रात का स्टैंड यानी कि जिसके बाद जो आर्यन सोचता है कि तुम आजाद नहीं लगती सच्चाई सामने उसके आ जाती है वही इसके बाद दोस्तों आर्यन का टेक्निकी जो है पुरुष यानी कि अहंकार इस बात से आहत हो जाता है कि उर्मिला और फिर सिफरा ने उसके उसे बेवकूफ़ बनाया लेकिन फिर भी जो है वह ख़ुद को जो है रोबोट की ओर रोबोट की ओर जो है बेताब ही रहता है सिफ्रा के लिए उसके प्यार को फिल्म में ईमानदारी से दिखाया गया है भली वह इस तथ्य को नज़रअंदाज करने में थोड़ा सा जल्दबाजी करता है कि वह एक रोबोट ही एक रोबोट है जिसे जो है उसकी काल्पनिक जो है महिला बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब तक जो इंटरवल आता है तो आर्यन के पास तीन समस्याओं को हल करने की एकदम सही योजनाएं होती है सबसे पहले उसका प्रेम रोग उसके बाद सिफरा के कौशल को और उसके बाद जो है परखने की उर्मिला की उत्सुकता और आर्यन की मां की जो अपने बेटे के लिए एक शानदार शादी की योजना अब इसके बाद आर्यन सिफरा को मुंबई अपने घर लेकर आता है और फिर उसे अमेरिका से अपनी जो है प्रेम का के रूप में सभी के सामने पेश करता है अगर आप इस बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको बता दें की टीबी मूजा का पहला भाग जो है निस्संदेह मनोरंजन है जहाँ पे शाहिदे शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने यहाँ पे अंतर जीत जो हास्य क्षणों में कुशलता से काम किया है और वह लगभग लग एक दशक के बाद उन्हें जो है डांस करते हुए देखना आपको अच्छा लगता है हालांकि वह आर्यन को वास्तव में जो है पसंद करने लायक बनने में विफल रहे हैं क्योंकि सुन सिफरा के रूप में विश्वासनीय प्रदर्शन दी है न केवल वह वा शानदार दिखी है बल्कि वह दर्शकों को बिल्कुल वही देती है जो कि वह एक रोबोट से उम्मीद करते हैं यहाँ पे मृत आंखों से लेकर जो है यहाँ पे भाव शून्य आवाज तक जो है और व्यवहार संबंधित जो है बीच चित्रताओं जो कि यहाँ पे ज्यादातर उनके यूएस से होने का कारण जो है माना जाता है आपको बता दें बेरेट पहने और फिर जो है हमेशा जो है रोमांटिक रहने वाले धर्मेंद्र ने रोकी और फिर जो है रानी की प्रेम कहानी दो में अपने दादा की भूमिका को निभाई है वही बता दें हालांकि इस फिल्म में उन्हें बहुत कम उन्हें बहुत कम करना पड़ा है क्योंकि हालांकि उन्हें शराब की एक बड़ी जो है बोतल के इर्द गिर्द थोड़ी देर के लिए नाचने को मिला है बता दे कबाड़िया को एक ऐसे किरदार में ढाला गया जो कि निराशाजनक रूप से सीमित रह गया है यही उर्मिला जिस दिमाग से सिफरा पैदा हुई है तो यहाँ पे आ, बता दें कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कहे जो है अधिक यानी कि शामिल जाए भूमिका यहाँ पे मिलनी चाहिए थी इस प्लब में लेकिन जो सिफरा की तरह हुआ केवल जो है नायक की एक छाव को जीवंत करने के लिए मौजूद है ये यह कभी कभी बता ये कभी कभी ये भी पता चलता है कि उसने सिफरा को आर्यन से रोमांटिक रूप से जो है आकर्षित करने के लिए क्यों डिजाइन किया गया जब वह रोबोट के प्यार में पड़ जाता है तो वह क्यों जो है भीत महसूस करता है छोटे मोटे सवालों के बावजूद जो है सिफरा और फिर आर्यन का पनपता रोमांस मजेदार आपको देखने को लगेगा अब छोटे मोटे सवालों के बावजूद जो सिफरा और आर्यन का जो है पनपता रोमांस मजेदार है आर्यन के परिवार के लिए सिफरा आदर्श बहू है वह कुछ ही सेकंड में ढेर सारा खाना पका सकती है और ठीक ठीक काम कर सकती है हालांकि वह सभी जो है आदेशों को अच्छी तरह से निभाती है और जैसा कि आर्यन की माँ बताती है कि वह एक मानव बर्बी यानी कि गुड़िया की तरह दिखती है एक महिला रोबोट का एक जो है विशेष यानी कि भारतीय बहू के रूप में मुखौटा लगाने का आधार उनके कुछ यानी कि बदकिस्मत लोगों के लिए नया नहीं है 2016 का यहाँ पे टेलीविजन सीट कॉम बहू यानी कि हमारे जो है राजनीति रजनीकांत याद आ जाते हैं जब जा आप दोस्तों बीजी एम यूजे शो की तुलना में अधिक जो है चमक यहां पे चमकदार हो सकता है लेकिन इस आधार के केंद्र में सहजता और फिर जो और बनी हुई है है क्या एक महिला को तभी आदर्श जाता है जब वह एक रोबोट हो जो कि बिना थके और विशेष रूप से जो है परिवार की सेवा हमेशा ही करती रहती है शुरुआती दृश्य में आर्यन अपनी जो है घरेलू घरेलू जो है सहायिकाओं को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वह जो खाना बनाती है वह उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्वाद उसमें रहता है बाद में वह सिफ्रा द्वारा जो उसके लिए बनाए गए भोजन की प्रशंसाएँ करता है अपनी पहली मुलाकात में आर्यन सिफरा से कहता है कि उसे उसके बाद जो सफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना जो है सारा काम खुद करना पसंद है अगली पंक्ति में वह उससे कॉफ़ी लाने के लिए कहता है और ये ध्यान देने योग्य है कि इस बिंदु पर वह नहीं जानता कि वह एक रोबोट है अब पूरी फिल्म में आर्यन इस बात पर जोर देता है कि सिफरा को सिर्फ एक रोबोट से ज्यादा एक रोबोट से ज्यादा के रूप में देखा गया है लेकिन वह लगातार उसे अपना जो है आदेश देने के लिए आ, कह रहा होता है जैसा कि कोई जो है एलेक्सा का मानव संस्करण कर रहा हो जो कि सीफरा वास्तव तो में सिफ्रा को यानी कि व्यक्तित्व यानी कि विकसित नहीं करती है कोई सवाल नहीं पूछती है और कोई जो है आ, कोई असहजता व्यक्तित नहीं करती है जब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो आर्यन उसे बंद कर देता है सचमुच यहाँ पे उसे अपनी जो है इच्छा अनुसार बंद कर दिया जाता है जब आर्यन का दोस्त आर्यन और फिर जो सिफ्रा के रिश्ते में असमानताएँ पैदा हो जाता है शक्ति यानी कि गतिशीलताओं के बारे में पता चलता है तो आर्यन शिफ्रा के एक छोटी लड़की की तरह जो है यहाँ पे बताकर उसे जो है 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 जो जो है 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 कि अभी भी सीख रही होती यदि आप जो है है तो चिंता ना करें हम अभी भी यहाँ पे बता दे कि टी बी एम यूजे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कबीर सिंह 2019 के बारे में बता रहे हैं कि वही नायक वही दाढ़ी वही यानी कि चेन वही जो स्मोकिंग अलग अलग चीजों को पेश किया गया है फिल्म के एंड में जब उर्मिला यानी कि आखिरकार अपने रोबोट जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप को अग्निहोत्री परिवार की बहू में बदलने की नैतिकता और फिर जो तर्क पर सवाल उठाती है तो आर्यन एक मोनोलॉग देता है जिसमें वह अपनी जो है यानी कि आंटी को अपने जो इरादों और फ्य जो है यहाँ पे फकवदा के बारे में समझाने की कोशिश करने लग जाता है मैं उसका अब तक का सबसे अच्छा जो है एडमिन बनूंगा बताते हैं आर्यन कहता है कि शाहिद कपूर डिम्पल कबाड़ पर जो है अपनी सबसे जो है अच्छी यानी कि पॉपुलर डॉग यानी कि आईस सन के बनाते हैं ताकि जो है हमारा ध्यान इस बात से हटा सके कि शादी की एक जो यानी कि धारणा कितनी जो है टेढ़ी हो सकती है भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में पुरुष रोबोट को तौर पर उनके जो है निर्माता की बुद्धि की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है एक यहाँ पे फ्रेक्टेश प्रयोग की सही जो है साबित हुआ और फिर जो है जो विकसित करने और फिर एजेंसी का प्रयोग करने का मौका दिया जाता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पे रजनीकांत अभिनेत्रि की ब्लॉक बास्टर इंट्रियन दो में हम जो है चिट्ठी से मिलते हैं एक रोबोट जो कि अपने निर्माता और फिर जो है यहाँ पे वैज्ञानिक डॉक्टर जो है वशीकरण के मॉडल पर बना हुआ था जो कि हालांकि वह जल्दी ही एक साधारण जो है आदेश पालन करने वाली मशीन से एक यहाँ पे आत्मा जो है जागरूकता इकाई में विकसित हो जाता है वो खुद के लिए सोचने और फिर जो है प्यार इस और क्रोध जैसी जो है भावनाओं को महसूस करने में सक्षम है जैसे जैसे चिट्टी अधिक जो है संवेदनशील होता चला जाता है उसे नियंत्रित करना भी काफी ज्यादा अधिक कठिनाई हो जाती है वही दोस्तों इसके जो है विपरीत सिफरा एक पुरुष की इच्छाओं का अवतार देती है जैसा है कि उसके जो है डिजिटल यानी कि पद चिन्ह से ये पता चलता है कि केवल जो है यहाँ पे अधीनता की यहाँ पे विशेषताएं है ये जो है लगभग ये लगभग जो है ऐसा है कि ऐसे जैसे कि महिला यानी कि रोबोट के लिए यहाँ पे बुद्धि की आवश्यकताएं नहीं है वह केवल सेवा करने के लिए मौजूद है भले ही एक संक्षिप्त और फिर जो है रोमांचक रोमांचकारी अंतराल ये है कि जिसमें वह अभिनय करती है और फिर जो है आदेशों का पालन करने से इनकार कर देती है सिर्फ के लिए कोई वास्तविक चरित्र चाप नहीं है केवल आपको बता दें एक क्षण ये है कि जिसमें वह एक यानी कि पूछती है कि क्या रोबोट होना एक बुरी बात है एक यहाँ पे अंतरिक्षता का और यहाँ पे संकेत देते हुए लेकिन यहाँ पे बीजेम योजे की किसी भी यानी कि अस्तित्व अस्तित्वगत यानी कि प्रश्न में नहीं उलझ पाती ये भी एक सवाल है इस फिल्म के अंदर वही आपको बता दें महिला रोबोट को एक एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि उसके प्र... उसके प्रशासन की एक छाव के लिए यहाँ पे भावशून्य वाहन है जो परोस में रहने वाले एक युवक को पता चलता है कि सिफरा एक रोबोट है तो उसका जो है पहला सहजता ज्ञान और उस पर जो एक चाल चलना है जबकि वह उसके जो है यहाँ पे स्पर्श को विनम्रता पूर्ण स्वीकार कर दिया जाता है उसे यौन उत्पीड़न का शिकार होने से बचाने के लिए आर्यन को क्रोध में आना पड़ जाता है ये न केवल वो विचलित करने वाला है बल्कि ये जो है बेकार का दृश्य है इस बात का इस बात का भी संकेत दिया जाता है कि फिल्म में जो है यहाँ पे पुरुषत्व और फिर जो है इस तत्वों के आदेशों की कल्पना कैसे की गई है शिफ्रा भारी वजन उठा सकती है और फिर जो है जटिल यहाँ पे डेटा को प्रोसेस कर सकती है लेकिन उसे अभी भी खुद को बचाने के लिए एक असली आदमी की जरूरत है जब वह पुरुष अधिक जब वह पुरुष अधिकार की अवहेलना करती है तो वह जो है भयानक हो जाती है और फिल्म में उसे उसके विद्रोह के लिए दंडित भी किया जाता है वही दोस्तों बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा का अंतिम दृश्य हमें जो है कई तरह की अप्रत्याशित जो है घटनाओं से रूबरू करवाता है जिसमें एक आश्चर्यजनक जो है भी शामिल है जिससे हम जो है खराब नहीं करेंगे और ये जो है पुष्टि किया गया है कि आर्यन और फिर शिफर की कहानी जो है जारी रहेगी जो कि अधिकांश भाग के लिए फिल्म जो है मनोरंजन करने में सफल रहा है हालांकि दूसरे भाग में हादसियाँ थका हुआ लगने लग जाता है वही आपको बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हमें ये सवाल छोड़ हमें हमारे अंदर ये सवाल छोड़ देता है क्या आप जो है वास्तविक जो है भावनाओं वाले एक अपूर्ण इंसान से प्यार करना पसंद करेंगे या फिर जो है प्रोग्रामिंग वाले एक आदर्श रोबोट से अगर कुछ और नहीं तो दोस्तों फिल्म और फिर जो है फिल्म में और शिफ्रा और जिसने जो है फ़िल्म को ये बढ़ावा देने के लिए सैनन के असली जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने जो है कब्जे में लिया है आपको बता दें कि टेक्निकी और फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने अपने जो है संबंधों का यहाँ पे पुनर् मूल्यांकन पुनर करने के लिए प्रेरित किया गया है तो दोस्तों आप लोग को आज का कहानी जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में मैंने रिव्यू कर दिया है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को जो कि 2024 में ही ये फिल्म रिलीज हुई है तो आइए दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में पचहत्तर करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो 133 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म, फिल्म हिट साबित हुई है इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज के बारे में हम बात करें तो 9 फरवरी 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था वही दोस्तों बता दें हिंदी भाषा में ये फिल्म रिलीज हुआ था और इस फिल्म के रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में शाहिद कपूर कीर्ति सनून डिम्बल कुमारी और धर्मेंद्र अभुंद करते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लेकिन वो इफेक्ट पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी ओ सुन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिलों में ऐसा उलझा जिया फ़िल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है कि दोस्तों आज की हम बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको भी कहां पर देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को दो में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे वैसे दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको बहुत ही बढ़िया कहानी देखने को मिलती है ये फिल्म साइंस के ऊपर बेस्ड है ठीक सा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको अभी कौन सा ओ टी पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी यूट्यूब चैनल पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम वाई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब आप हमेशा से बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म में दिखाया गया है, है? आर्यन अग्निहोत्री यानी कि शाहिद कपूर अपनी मौसी उर्मिला नि की कंपनी में काम करने वाला एक रोबोटिक्स इंजीनियर है फिर उनका परिवार चाहता है कि वह किसी लड़की से जल्दी शादी करके अपने घर बसा ले। लेकिन आर्यन अपनी शादी की योजना को टालता रहता है किसी न किसी बहाने वही अपनी मौसी के निमंत्रण पर आर्यन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चला जाता है काम करने के लिए इसके बाद वो अपनी मौसी के पास यूएसए चला जाता है जहाँ पे उर्मिला को एक महत्वपूर्ण कॉल आती है और वह एक आपातकालीन कार्य को निपटाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है अब आगे आगे दोस्तों उर्मिला अपनी मैनेजर जो है सिफरा यानी के कि कीर्ति सैन से उसकी अनुपस्थिति में आर्यन का ख्याल रखने के लिए कहीं देती है और सिफरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एक दूसरे के करीब आने के बाद कोई मुसीबत नहीं होता है लेकिन जब दोनों में प्यार हो जाता है तब जाकर इन दोनों में काफ़ी ज्यादा दिक्कतें आती है प्यार होने के बाद पता चलता है कि शिफ्रा एक ह्यूमनाइड रोबोट है इसके बाद आर्यन ने क्या किया क्या वो शिफ्रा को भूल गया उसने किससे शादी की अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म एक बार बैठकर जरूर देखना पड़ेगा अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कहानी बहुत ही सरल है लेकिन जो बात फिल्म के साथ अच्छी तरह से काम कर जाती है वह यह है कि इसका मज़ेदार पहलू जो कि निर्माताओं को अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कोई बढ़िया कहानी नहीं है इस फिल्म में दिखाने के लिए इसलिए दोस्तों उन्होंने फिल्म में चुटपुले और फिरजेपर तिथियाजनक जो कॉमेडी का तड़का लगाया है थोड़ा थोड़ा करके शाहिद कपूर द्वारा अपने परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कृति सुनून एक इंसान है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और गुदगुदाती है इस फिल्म में वही इस फिल्म में कई ऐसे पल भी है जो कि आपको हंसा देंगे लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वहीं बता दें क्लाइमेक्स से पहले का एपिसोड जिसमें जो रोबोट में खराबी आती है तो हमें और आपको इस फिल्म में पता चलता है और काफी ज्यादा हंसी भी आती है और इस बीच हम काफी ज्यादा इस फिल्म से इंजॉय भी करते हैं इसी सीक्वेंस में कीर्ति सुनोन का अभिनय शानदार हमें देखने को मिला है जहां पर डिम्बल कवारिया ने अपने किरदार में कमाल का अभिनय किया है वहीं फिल्म का आइडिया दी आइडिया ही दिलचस्प है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई दूसरी फिल्म है आपको ये फिल्म देखने के बाद लगेगा वही आपको बता दें हीरो शाहिद कपूर ने फिल्म में कमाल का काम किया है के रोबोट होने का पता चलने के बाद जिस तरह से अभिनेता ने अपनी भावनाओं और फ्य हताशा को दर्शाया है अपनी हताशा को दर्शाया है वह कमाल का लगता है शाहिद कपूर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है फिल्म में और फिर जो है फिनाले में उनका इमोशनल अभिनय प्रभावशाली है हाल ही में शाहिद अधिक जो है गंभीर भूमिकाओं में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उनका मजेदार पक्ष हमें देखने को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सोन ने सिफरा के रूप में शानदार परफॉर्म दी है और यह निश्चिंत रूप से एक आसान भूमिका नहीं है उनके लिए लेकिन कीर्ति सोनोन ने इस इस भूमिका को आसानी से और फिर जो है पूर्णता के साथ निभाई है वह बेहद खूबसूरत दिखी है इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी मुख्य जोड़ी की हॉट के केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इस फिल्म के गाने सुधाने हैं और फिर देर से आंखों को सुकून देने वाले हैं वही अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में तो बता दें इस फिल्म का एक पहलू जिसमें जो है बहुत सुधार की आवश्यकता थी और वो ये है कि इसका भावनात्मक पहलू कुछ अच्छे भावनात्मक क्षण भी है लेकिन वह मजेदार पहलू के सामने दब जाते हैं इसलिए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक के संपूर्ण मनोरंजन नहीं बन पाई है इस साल क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण गायब है क्योंकि हल्की फुल्की कॉमेडी का आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन हम पूरी होने के बाद भी इसमें कुछ खास नहीं पेश किया गया है वही फिल्म कभी कभी धीमी हो जाती है और फिर जो है संपादन टीम को कुछ पारिवारिक दृश्यों की लंबाई कम करनी चाहिए थी क्योंकि वह बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाते हैं धर्मेंद्र के बारे में हम बात करें तो धर्मेंद्र के चरित्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है और ये कव जो है विकसित हुई है जिसकी वजह से वरिष्ठ अभिनेता के और फिर उनकी पहली फिल्म रॉकी और फिर रानी में उनके चरित्र ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था लेकिन ये जो है रोमांटिक कॉमेडी यानी कि इस पहलू में थोड़ा सा निराश हमें करके जाता है वहीं तकनीकी पहलू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आपको बता दें अच्छे गाने की जरूरत होती है और फिर जो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में ये जो है बात आती है कि टाइटल ट्रैक यहाँ पे अखिया गुलाब और फिर जो है लाल पीली अखिया सुनने और देखने में बहुत ही बढ़िया है अब लक्ष्मण उटेकर के विजुअल देखने में बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म में दमदार प्रोडक्शन वैल्यू भी फिट किया गया है निर्देशक अमित जोशी और, और फिर जो आराधना शाह ने अच्छा काम किया है और वह यहाँ पे नियमित अंतराल पर मनोरंजन क्षण जोड़ने में सफल रही है लेकिन भावनात्मक क्षणों और फिर जो है नाट किया था कि मामले में लेखन विभाग जो है बेहतर काम कर सकता था वही कुल मिलाकर दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा किया एक टाइम एक टाइम पास करने वाली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें कई मजेदार पल हैं। निर्माता का इरादा लगातार जो है मनोरंजन प्रदान करना है और वह इस मामले में सफल भी हुए हैं जहाँ पर शाहिद कपूर और कीर्ति सरोन अपने किरदारों में बहुत ही अच्छी दिखी है और उनकी केमिस्ट्री कमाल की है हालांकि में गहराई गायब है फिल्म से जो कि इस फिल्म को अगले स्तर तक पहुँचाने में सक्षम रहता था साथ ही कई बार जो फिल्म धीमी हो जाती है अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी देखना पसंद आता है तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको तो जरूर एक बार देखना चाहिए दोस्तों यदि आपने अभी तक अमित जोशी और आराधना शाह की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार इस फिल्म को पहले देखिए दोस्तों 2024 दो का ट्रेलर देखा गया तब दोस्तों ये लगा था कि आपने जो है मुलत फिल्म का पहला भाग देख लिया है फिल्म में आर्यन अग्निहोत्री शाहिद कपूर है जिसके बारे में हमें बताया गया है वह एक संतार रोबोटिक्स इंजीनियर है फिल्म में जो कि खुद को सिफरा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल ऑटोमेशंस ऑटोमेशन रोबोट के लिए आकर्षित हो जाते हैं फिर उसकी मौसी उर्मिला डिम्पल कबाड़िया है जो कि ई रोबोटिक्स की प्रमुख है जिनकी कंपनी को सिफरा की बनाने में तेरह साल का परीक्षण और फिर यहाँ पे टुतरी का सामना करना पड़ा था हमें बताया गया है कि सिफरा जैसे रोबोट भविष्य के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसमें वो अकेले कमजोर लोगों की देखभाल और फिर जो है साथ आ उनके साथ जो है प्रदान करेंगे इसी के साथ इस फिल्म में ये भी बताया गया कि सिफरा हर भाषा बोल सकती है हर हर भोजन बना सकती है है दुनिया की चीज के बारे में उसे ज्ञान उर्मिला काम के बहाने आर्यन को अमेरिका आने का निमंत्रण दे देती है लेकिन ये वास्तव में आर्यन और सिफरा दोनों के लिए एक परीक्षण था हमें बाद में पता चलता है कि उर्मिला ने सिफरा को आर्यन की पसंद और फिर जो नाभ पसंद को दर्शाने और उसकी जो है अलमारी को व्यस्त करने और फिर उसके लिए कॉफी बनाने और साथ ही तो साथ एक रात का इस जिसके बाद जो है आर्यन सोचता है कि तुम आजाद नहीं लगती सच्चाई सामने उसके आ जाती है वह इसके बाद दोस्तों आर्यन का टेक्निकी जो है पुरुष यानी कि अहंकार इस बात से आहत हो जाता है कि उर्मिला और फिर जो है सिफरा ने उसके उसे बेवकूफ बनाया लेकिन फिर भी जो है वह खुद को जो है रोबोट की ओर रोबोट की ओर जो है बेताब ही रहता है सिफरा के लिए उसके प्यार को फिल्म में ईमानदारी से दिखाया गया है वह इस तथ्य को नज़रअंदाज करने में थोड़ा सा जल्दबाजी करता है कि वह एक रोबोट ही एक रोबोट है जिसे सचमुच जो है उसकी काल्पनिक जो है महिला बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब तक जो इंटरवल आता है तो आर्यन के पास तीन समस्याओं को हल करने की एकदम सही योजनाएं होती है सबसे पहले उसका प्रेम रोग उसके बाद सिफरा के कौशल को और उसके बाद जो है परटने की उर्मिला की उस उत्सुकता और आर्यन की मां की जो अपने बेटे के लिए एक शानदार शादी की योजना अब इसके बाद आर्यन सिफरा को मुंबई अपने घर लेकर आता है और फिर उसे अमेरिका से अपने जो है प्रेम का के रूप में सभी के सामने पेश करता है अगर आप इस बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको बता दें कि टीबी ए मूजा का पहला भाग जो है निस्संदेह मनोरंजन है चापे शाहिदे शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने यहाँ पे अंतर जीत जो है हास्य छुनों में कुशलता से काम किया है और वह लगभग लग एक दशक के बाद उन्हें जो है डांस करते हुए देखना आपको अच्छा लगता है हालांकि वह आर्यन को वास्तव में जो है पसंद करने लायक बनने में विफल रहे हैं क्योंकि सुनन शिफरा के रूप में विश्वास ने प्रदर्शन दी है न केवल वह शानदार दिखी है बल्कि वह दर्शकों को बिल्कुल वही देती है जो कि वह एक रोबोट से उम्मीद करते हैं यहाँ पे मृत आंखों से लेकर जो है यहाँ पे भाव शून्य आवाज तक जो है और व्यवहार संबंधित जो है बीच चित्रताओं जो कि यहाँ पे ज्यादातर उनके यूएस से होने का कारण जो है माना जाता है आपको बता दें बेरेट पहने और फिर जो है हमेशा जो है रोमांटिक रहने वाले धर्मेंद्र ने रोकी और फिर जो है रानी की प्रेम कहानी दो में अपने दादा की भूमिका को निभाई है वही बता दें हालांकि इस फिल्म में उन्हें बहुत कम उन्हें बहुत कम करना पड़ा है क्योंकि हालांकि उन्हें शराब की एक बड़ी जो है बोतल के इर्द गिर्द थोड़ी देर के लिए नाचने को मिला है बता दे कबाड़िया को एक ऐसे किरदार में ढाला गया जो कि निराशाजनक रूप से सीमित रह गया है यही उर्मिला जिस दिमाग से सिफरा पैदा हुई है तो यहाँ पे आ, बता दें कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कहे जो है अधिक यानी कि शामिल जाए भूमिका यहाँ पे मिलनी चाहिए थी इस प्लब में लेकिन जो सिफरा की तरह हुआ केवल जो है नायक की एक छाव को जीबंद करने के लिए मौजूद है यह कभी कभी, बता, यह कभी 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 बता भी पता चलता है कि उसने को आर्यन से रोमांटिक रूप से जो आकर्षित करने के लिए क्यों डिजाइन किया गया जब वह रोबोट के प्यार में पड़ जाता है तो वह क्यों जो है अंचभीत महसूस करता है छोटे मोटे सवालों के बावजूद जो है सिफरा और फिर आर्यन का पनपता रोमांस मजेदार आपको देखने को लगेगा अब छोटे मोटे सवालों के बावजूद वे सिफरा और आर्यन का जो है पनपता रोमांस मजेदार है आर्यन के परिवार के लिए सिफरा आदर्श बहू है वह कुछ ही सेकंड में ढेर सारा खाना पका सकती है और ठीक ठीक काम कर सकती है हालांकि वह सभी जो है आदेशों को अच्छी तरह से निभाती है और जैसा कि आर्यन की माँ बताती है कि वह एक मानव बर्बी यानी कि गुड़िया की तरह दिखती है एक महिला रोबोट का एक जो है विशेष यानी कि भारतीय बहु के रूप में मुखौटा लगाने का आधार कुछ यानी कि बदकिस्मत लोगों के लिए नया नहीं है दो हजार सोलह का यहाँ कॉम बहु यानी कि हमारे जो है रजनीकांत याद आ जाते हैं जो दोस्तों बीजी एम यूजे शो की तुलना में अधिक जो है चमक यहाँ पे चमकदार हो सकता है लेकिन इस आधार के केंद्र में सहजता और फिर जो और सहजता बनी हुई है क्या एक महिला को तभी माना जाता है जब वह एक रोबोट हो जो कि बिना थके और विशेष रूप से जो है परिवार की सेवा हमेशा ही करती रहती है शुरुआती दृश्य में आर्यन अपनी जो है घरेलू घरेलू जो है सहायिकाओं को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वह जो खाना बनाती है वह उसके मुकाबले काफी ज्यादा स्वाद उसमें रहता है बाद में वह शिफ़्रा द्वारा जो उसके लिए बनाए गए भोजन की प्रशंसाएँ करता है अपनी पहली मुलाकात में आर्यन शिफ़्रा से कहता है कि उसे उसके बाद जो सफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना जो है सारा काम खुद करना पसंद है अगले पंक्ति में वह उससे कॉफ़ी लाने के लिए, के लिए कहता है और ये ध्यान देने योग्य है कि इस बिंदु पर वह नहीं जानता कि वह एक रोबोट है अब पूरी फिल्म में आर्यन इस बात पर जोर देता है कि सिफरा को सिर्फ एक रोबोट से ज्यादा एक रोबोट से ज्यादा के रूप में देखा गया है लेकिन वह लगातार उसे अपना जो है आदेश देने के लिए कह रहा होता है जैसा कि कोई जो है एलेक्सा का मानव संस्करण कर रहा हो जो कि सीफ्रा वास्तव तो में सिफरा को यानी कि व्यक्तित्व यानी कि विकसित नहीं करती है कोई सवाल नहीं पूछती है और कोई जो है आ, कोई असहजता नहीं करती है जब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो आर्यन उसे बंद कर देता है सचमुच पे उसे अपनी जो है इच्छा अनुसार बंद कर दिया जाता है जब आर्यन का दोस्त आर्यन और फिर जो सिफरा के रिश्ते में और असमानताएं पैदा हो जाता है शक्ति यानी कि गतिशीलताओं के बारे में पता चलता है तो आर्यन शिफ्रा के एक छोटी लड़की की तरह जो है यहाँ पे बताकर उसे जो है 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 जो है कि अभी भी सीख रही होती यदि आप जो है भ्रमित है तो चिंता ना करें हम अभी भी यहाँ पे बता दे कि टी बी एम यूजे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कबीर सिंह 2019 के बारे में बता रहे हैं कि वही नायक वही दाढ़ी वही यानी कि चेन वही जो है स्मोकिंग अलग अलग चीजों को पेश किया गया है फिल्म के एंड में जब उर्मिला आखिरकार अपने रोबोट जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप को अग्निहोत्री परिवार की बहु में बदलने की नैतिकता और फिर तर्क पर सवाल उठाती है तो आर्यन एक मोनोलॉग देता है जिसमें वह अपनी जो है यानी कि आंटी को अपने जो इरादों और फिर जो है यहाँ पे फा के बारे में समझाने की कोशिश करने लग जाता है मैं उसका अब तक का सबसे अच्छा जो है एडमिन बनूंगा बताते हैं आर्यन कहता है कि शाहिद कपूर डिम्पल कबाड़ जो है अपनी सबसे अच्छी यानी कि कि यानी बनाते हैं ताकि जो है हमारा ध्यान इस बात से हटा सके कि शादी की एक जो यानी कि धारणा कितनी जो है टेढ़ी हो सकती है भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में पुरुष रोबोट को आमतौर पर उनके जो है निर्माता की बुद्धि की अभिव्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जाता है एक यहाँ पे ने यानी कि प्रयोग की सही जो है साबित हुआ और फिर जो मूल यानी कि व्यक्तित्व विकसित करने और फिर एजेंसी का प्रयोग करने का मौका दिया जाता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पे रजनीकांत अभिनेत्र यानी कि ब्लॉक बास्टर 2010 दो में हम जो है चिट्ठी से मिलते हैं एक रोबोट जो कि अपने निर्माता और फिर जो है यहाँ पे वैज्ञानिक डॉक्टर जो है वशीकरण के मॉडल पर बना हुआ था जो कि हालांकि वह जल्दी ही एक साधारण जो है आदेश पालन करने वाली मशीन से एक यहाँ पे आत्मा जो है जागरूकता इकाई में विकसित हो जाता है वो खुद के लिए सोचने और फिर जो है प्यार इस शर्य और फिर जो है क्रोध जैसी जो है भावनाओं को महसूस करने में सक्षम है जैसे जैसे चिट्ठी अधिक जो है संवेदनशील होता चला जाता है उसे नियंत्रित करना भी काफी ज्यादा अधिक कठिनाई हो जाती है वही दोस्तों इसके जो है विपरीत सिफरा एक पुरुष की इच्छाओं का अवतार देती है जैसा है कि उसके जो है डिजिटल यानी कि पद चिन्ह से ये पता चलता है कि केवल जो यहां यहां है यहाँ पे अधीनता की यहाँ पे विशेषताए है ये जो है लगभग ये लगभग जो है ऐसा है कि ऐसे जैसे कि महिला यानी कि रोबोट के लिए यहाँ पे बुद्धि मानते की आवश्यकताएँ नहीं है क्योंकि वह केवल सेवा करने के लिए मौजूद है भले ही एक संक्षिप्त और फिर जो है रोमांचक रोमांचकारी अंतराल ये है कि जिसमें वह अभिनया करती है और फिर जो है आदेशों का पालन करने से इनकार कर देती है सिर्फ के लिए कोई वास्तविक चरित्र चाप नहीं है केवल आपको बता दें एक क्षण ये है कि जिसमें वह एक यानी कि पूछती है कि क्या रोबोट होना एक बुरी बात है एक यहाँ पे अंतरिक्षता का और यहाँ पे संकेत देते हुए लेकिन यहाँ पे बीजेम योजे की किसी भी यानी कि अस्तित्व अस्तित्वगत यानी कि प्रश्न में नहीं उलझ पाती ये भी एक सवाल है इस फिल्म के अंदर वही आपको बता दें महिला रोबोट को एक एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि उसके प्र जो कि उसके प्रशासक की इच्छाओं के लिए यहाँ पे भावशून्य वाहन है जो परोस में रहने वाले एक युवक को पता चलता है कि सिफरा एक रोबोट है तो उसका जो है पहला समझ जाता है ज्ञान और उस पर जो है एक चाल चलना है जबकि वह उसके जो है यहाँ पे स्पर्श को विनम्रता पूर्ण स्वीकार कर दिया जाता है उसे यौर उत्पीड़न का शिकार होने से बचाने के लिए आर्यन को क्रोध में आना पड़ जाता है ये न केवल जो विचलित करने वाला है बल्कि ये जो है बेकार का दृश्य है इस बात का इस बात का भी संकेत दिया जाता है कि फिल्म में जो है यहाँ पे पुरुषत्व और फिर जो है इस तेतों के आदेशों की कल्पना कैसे की गई है सिफर भारी वजन उठा सकती है और फिर जो है जटिल यहाँ के डेटा को प्रोसेस कर सकती है लेकिन उसे अभी भी खुद को बचाने के लिए एक असली आदमी की जरूरत है जब वह पुरुष अधि जब वह पुरुष अधिकार की अवहेलना करती है तो वह जो है भयानक हो जाती है और फिल्म में उसे उसके विद्रोह के लिए दंडित भी किया जाता है वही दोस्तों बता दे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का अंतिम दृश्य हमें जो है कई तरह की अप्रत्याशित जो है घटनाओं से रूबरू करवाता है जिसमें एक आश्चर्यजनक जो है कैमियो भी शामिल है जिससे हम जो है खराब नहीं करेंगे और ये जो है पुष्टि किया गया है कि आर्यन और फिर शिफरा की कहानी जो है जारी रहेगी जो कि अधिकांश भाग के लिए फिल्म जो है मनोरंजन करने में सफल रहा है हालांकि दूसरे भाग में हादसे थका हुआ लगने लग जाता है वही आपको बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा चिया हमें ये सवाल छोड़ हमें हमारे अंदर ये सवाल छोड़ देता है क्या आप जो है वास्तविक जो है भावनाओं वाले एक पूर्ण इंसान से प्यार करना पसंद करेंगे या फिर जो है प्रोग्रामिंग वाले एक के आदर्श रोबोट से अगर कुछ और नहीं तो दोस्तों फिल्म और फिर जो है फिल्म में और शिफरा और जिसने जो है फ़िल्म को ये बढ़ावा देने के लिए सेनन के असली जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने जो है कब्जे में लिया है आपको बता दें कि टेक्निकी और फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने अपने जो है संबंधों का यहाँ पे पुनर् पुनर, पुनर यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया है तो दोस्तों आप लोग को आज का कहानी जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में मैंने रिव्यू कर दिया है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को जो कि 2024 में ही ये फिल्म रिलीज हुई है आइए दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में पचहत्तर करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म हिट साबित हुई है इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज के बारे में हम बात करें तो 9 फरवरी 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था वही दोस्तों बता दें हिंदी भाषा में ये फिल्म रिलीज हुआ था और इस फिल्म के रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में शाहिद कपूर कीर्ति सोन डिम्बल कुमारी और धर्मेंद्र अभिनय करते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एक ही मूवी इफेक्ट पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी सीओ सुन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलबातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग शाहद कपूर के फैन हो और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है की दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको भी कहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को 2024 में देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे वैसे दोस्तों अगर आप लोग शाहिद कपूर के फैन हो तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको बहुत ही बढ़िया कहानी देखने को मिलती है ये फिल्म साइंस के ऊपर बेस्ड है ठीक साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको अभी कौन सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी यूट्यूब चैनल पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर रहिएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए केम वाई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म में दिखाया है गया है आर्यन अग्निहोत्री यानी कि शाहिद कपूर अपनी मौसी उर्मिला निम्बल कबाड़िया की कंपनी में काम करने वाला एक रोबोटिक्स इंजीनियर है फिर उनका परिवार चाहता है कि वह किसी लड़की से जल्दी शादी करके अपने घर बसा ले, लेकिन आर्यन अपनी शादी की योजना को टालता रहता है किसी न किसी बहाने वही अपनी मौसी के निमंत्रण पर आर्यन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चला जाता है काम करने के लिए इसके बाद वो अपनी मौसी के पास यूएसए चला जाता है जहाँ पे उर्मिला को एक महत्वपूर्ण कॉल आती है और वह एक आपातकालीन कार्य को निपटाने के लिए दूसरे शहर चली जाती है अब आगे आगे दोस्तों उर्मिला अपनी के से उसकी और ख्याल रखती है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आने के बाद कोई मुसीबत नहीं होता है लेकिन जब दोनों प्यार हो जाता है तब जाकर इन दोनों में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है प्यार होने के बाद पता चलता है कि शिफ्रा एक ह्यूमन रोबोट है इसके बाद आर्यन ने क्या किया क्या वो सिफरा को भूल गया उसने किससे शादी की अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म एक बार बैठ जरूर देखना पड़ेगा अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की कहानी बहुत ही सरल है लेकिन जो बात फिल्म के साथ अच्छी तरह से काम कर जाती है वह यह है कि इसका मज़ेदार पहलू जो कि निर्माताओं को अच्छी तरह से पता है कि उनके पास कोई बढ़िया कहानी नहीं है इस फिल्म में दिखाने के लिए इसलिए दोस्तों उन्होंने फिल्म में चुटपुले और फिरजे पुलिस तिथियाजनक जो कॉमेडी का तड़का लगाया है थोड़ा थोड़ा करके शाहिद कपूर द्वारा अपने परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कृति सुनून एक इंसान है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और गुदगुदाती है इस फिल्म में वही इस फिल्म में कई ऐसे पल भी है जो कि आपको हंसा देंगे लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वही बता दें क्लाइमेक्स से पहले का एपिसोड जिसमें जो रोबोट में खराबी आती है तो हमें और आपको इस फिल्म में पता चलता है और काफी ज्यादा हंसी भी आती है और इस बीच हम काफी ज्यादा इस फिल्म से एंजॉय भी करते हैं इसी सीक्वेंस में कीर्ति सुनोन का अभिनय शानदार हमें देखने को मिला है जहां पर डिम्बल कवारिया ने अपने किरदार में कमाल का अभिनय किया है वही फिल्म का आइडिया दी आइडिया ही दिलचस्प है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई दूसरी फिल्म है आपको ये फिल्म देखने के बाद लगेगा वही आपको बता दें फिल्म के हीरो शाहिद कपूर ने फिल्म में कमाल का काम किया है कीर्ति के रोबोट होने का पता चलने के बाद जिस तरह से अभिनेता ने अपनी भावनाओं और फिर जो हताशा को दर्शाया है अपनी हताशा को दर्शाया है वह कमाल का लगता है शाहिद कपूर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है फिल्म में और फिर जुए फिनाले में उनका इमोशनल अभिनय प्रभावशाली है हाल ही में शाहिद अधिक जो है गंभीर भूमिकाओं में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उनका मजेदार पक्ष हमें देखने को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सोन ने सिफरा के रूप में शानदार परफॉर्म दी है और यह निश्चिंत रूप से एक आसान भूमिका नहीं है उनके लिए लेकिन कीर्ति सोन ने इस इस भूमिका को आसानी से और फिर पूर्णता के साथ निभाई है वह बेहद खूबसूरत दिखी है इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी मुख्य जोड़ी की हॉट के केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इस फिल्म के गाने सुहाने हैं और फिर से आंखों को सुकून देने वाले हैं वहीं अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में तो बता दें इस फिल्म का एक पहलू जिसमें जो है बहुत सुधार की आवश्यकताएं थी और वो ये है कि इसका भावनात्मक पहलू कुछ अच्छे भावनात्मक क्षण भी है लेकिन वह मजेदार पहलू के सामने दब जाते हैं इसलिए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक के संपूर्ण मनोरंजन नहीं बन पाई है इस साल क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण गायब है क्योंकि हल्की फुल्की कॉमेडी का आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद भी इसमें कुछ खास नहीं पेश किया गया है वही फिल्म कभी कभी धीमी हो जाती है और फिर जो है संपादन टीम को कुछ पारिवारिक दृश्यों की लंबाई कम करनी चाहिए थी क्योंकि वह बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाते हैं धर्मेंद्र के बारे में हम बात करें तो धर्मेंद्र के चरित्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है और ये कव जो है विकसित हुई है जिसकी वजह से वरिष्ठ अभिनेता के और फिर उनकी पहली फिल्म रॉकी और फिर रानी में उनके चरित्र ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था लेकिन यह जो है रोमांटिक कॉमेडी यानी कि इस पहलू में थोड़ा सा निराश हमें करके जाता है वहीं तकनीकी पहलू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आपको बता दें अच्छे गाने की जरूरत होती है और फिर जो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में ये जो है बात आती है कि टाइटल ट्रैक यहाँ पे अखिया गुलाब और फिर जो है लाल पीली अखिया सुनने और देखने में बहुत ही बढ़िया है अब लक्ष्मण उटेकर के विजुअल देखने में बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म में दमदार प्रोडक्शन वैल्यू भी फिट किया गया है निर्देशक अमित जोशी और जो आराधना शाह ने अच्छा काम किया है और वह यहाँ पे नियमित अंतराल पर मनोरंजन जोड़ने में सफल रही है लेकिन भावनात्मक क्षणों और फिर जो है नाटक में लेखन विभाग काम कर सकता था वही कुल मिलाकर दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक टाइम एक टाइम पास करने वाली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें कई मजेदार पल हैं निर्माता का इरादा लगातार जो है मनोरंजन प्रदान करना है और वह इस मामले में सफल भी हुए हैं जहाँ पे शाहिद कपूर और कीर्ति सरोन अपने किरदारों में बहुत ही अच्छी दिखी है और उनकी केमिस्ट्री कमाल की है हालांकि भावनात्मक गहराई गायब है फिल्म से जो कि इस फिल्म को अगले स्तर तक पहुंचाने में सक्षम रहता था साथ ही कई बार जो फिल्म धीमी हो जाती है अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी देखना पसंद आता है तो तरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म आपको जरूर एक बार देखना चाहिए दोस्तों यदि आपने अभी तक अमित जोशी और आराधना शाह की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार इस फिल्म को पहले देखिए तो दोस्तों 2024 दो का ट्रिलर देखा गया तब दोस्तों ये लगा था कि आपने जो है मुलत फिल्म का पहला भाग देख लिया है फिल्म में आर्यन अग्निहोत्री शाहिद कपूर है जिसके बारे में हमें बताया गया है वह एक संतार रोबोटिक्स इंजीनियर है फिल्म में जो कि खुद को सिफरा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशंस नामक रोबोट के लिए आकर्षित हो जाते हैं फिर उसकी मौसी उर्मिला डिम्पल कबाड़िया है जो कि ई रोबोटिक्स की प्रमुख है जिनकी कंपनी को सिफरा कीर्तिनोन बनाने में तेरह साल का परीक्षण और फिर यहाँ पे तो का सामना करना पड़ा था हमें बताया गया है कि सिफरा जैसे रोबोट भविष्य के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसमें वो अकेले कमजोर लोगों की देखभाल और फिर साथ उनके साथ जो है प्रदान करेंगे इसी के साथ इस फिल्म में यह भी बताया गया है कि सिफरा हर भाषा बोल सकती है हर भोजन बना सकती है दुनिया की हर चीज के बारे में उसे ज्ञान है उर्मिला काम के बहाने आर्यन को अमेरिका आने का निमंत्रण दे देती है लेकिन ये वास्तव में आर्यन और सिफरा दोनों के लिए एक परीक्षण था हमें बाद में पता चलता है कि उर्मिला ने सिफरा को आर्यन की पसंद और फिर जो है नाबप को दर्शाने और उसकी जो है अलमारी को व्यस्त करने और फिर उसके लिए कॉफी बनाने और साथ ही साथ उससे प्यार करने के लिए जो है प्रोग्राम किया था एक जादुई दिन के बाद जो है जिसके दौरान जो है आर्यन सिफरा को हिंदी जो है स्लैंग और फिर जो है धुमरा सिखाती है और एक रात का स्टैंड यानी कि जिसके बाद जो आर्यन सोचता है कि तुम आजाद नहीं लगती सच्चाई सामने उसके आ जाती है वही इसके बाद दोस्तों आर्यन का टेक्निकी जो है पुरुष कि अहंकार इस बात से आहत हो जाता है कि उर्मिला और फिर सिफरा ने उसके उसे बेवकूफ़ बनाया लेकिन फिर भी जो है वह ख़ुद को जो है रोबोट की ओर रोबोट की ओर जो है बेताब ही रहता है सिफ़रा के लिए उसके प्यार को फिल्म में ईमानदारी से दिखाया गया है भली वह इस तथ्य को नज़रअंदाज करने में थोड़ा सा जल्दबाजी करता है कि वह एक रोबोट ही एक रोबोट है जिसे सचमुच जो है उसकी काल्पनिक जो है महिला बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब तक जो इंटरवल आता है तो आर्यन के पास तीन समस्याओं को हल करने की एकदम सही योजनाएं होती है सबसे पहले उसका प्रेम रोग उसके बाद सिफरा के कौशल को और उसके बाद जो है परटने की उर्मिला की उत्सुकता और आर्यन की मां की जो अपने बेटे के लिए एक शानदार शादी की योजना अब इसके बाद आर्यन सिफरा को मुंबई अपने घर लेकर आता है और फिर उसे अमेरिका से अपने जो है प्रेम का के रूप में सभी के सामने पेश करता है अगर आप इस बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपको बता दें कि टी ए एमूजा का पहला भाग जो है निस्संदेह मनोरंजन है जहा शाहिद शाहिद कपूर शाहिद कपूर ने यहाँ पे अंतर जीत जो है हास्य छुनों में कुशलता से काम किया है और वह लगभग लग एक दशक के बाद उन्हें जो है डांस करते हुए देखना आपको अच्छा लगता है हालांकि वह आर्यन को वास्तव में जो है पसंद करने लायक बनने में विफल रहे हैं क्योंकि सुन शिफ्रा के रूप में विश्वास ने प्रदर्शन दी है न केवल वह वा शानदार दिखी है बल्कि वह दर्शकों को बिल्कुल वही देती है जो कि वह एक रोबोट से उम्मीद करते हैं यहाँ पे मृत आंखों से लेकर जो है यहाँ पे भाव शून्य आवाज़ तक जो है और व्यवहार संबंधित जो है बीच चित्रताओं जो कि यहाँ पे ज़्यादातर उनके यूएस से होने का कारण जो है माना जाता है आपको बता दें बेरेट पेने और फिर जो है हमेशा जो है रोमांटिक रहने वाले धर्मेंद्र ने रोकी और फिर जो है रानी की प्रेम कहानी दो में अपने दादा की भूमिका को निभाई है वही बता दें हालांकि इस फिल्म में उन्हें बहुत कम उन्हें बहुत कम करना पड़ा है क्योंकि हालांकि उन्हें शराब की एक बड़ी जो है बोतल के इर्द गिर्द थोड़ी देर के लिए नाचने को मिला है बता दे कबाड़िया को एक ऐसे किरदार में ढाला गया जो कि निराशाजनक रूप से सीमित रह गया है यही उर्मिला जिस दिमाग से सिफरा पैदा हुई है तो यहाँ पे आ, बता दे कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कहे जो है अधिक यानी कि शामिल जाए भूमिका यहाँ पे मिलनी चाहिए थी इस प्लब में लेकिन जो सिफरा की तरह हुआ केवल जो है नायक की एक छाव को जीबंद करने के लिए मौजूद है ये यह, यह कभी कभी बता ये कभी कभी ये भी पता चलता है कि उसने सिफरा को आर्यन से रोमांटिक रूप से जो है आकर्षित करने के लिए क्यों डिज़ाइन किया गया जब वह रोबोट के प्यार में पड़ जाता है तो वह क्यों जो है अंचभीत महसूस करता है छोटे मोटे सवालों के बावजूद जो है सिफरा और आर्यन का पनपता रोमांस मजेदार आपको देखने को लगेगा अब छोटे मोटे सवालों के बावजूद वे सिफ़रा और आर्यन का जो है पनपता रोमांस मज़ेदार है आर्यन के परिवार के लिए सिफरा आदर्श बहु है वह कुछ ही सेकेंड में ढेर सारा खाना पका सकती है और ठीक ठीक काम कर सकती है हालांकि वह सभी जो है आदेशों को अच्छी तरह से निभाती है और जैसे कि आर्यन की, की माँ बताती है कि वह एक मानव बर्बी यानी कि गुड़िया की तरह दिखती है एक महिला रोबोट का एक जो है विशेष यानी कि भारतीय बहु के रूप में मुखौटा लगाने का आधार उनके कुछ यानि कि बदकिस्मत लोगों के लिए नया नहीं है 2016 का यहाँ पे टेलीविजन सीट कॉम बहु यानी कि हमारे जो है रजनीकांत याद आ जाते जा पे दोस्तों बीजेम शो की तुलना में अधिक जो है चमक यहाँ पे चमकदार हो सकता है लेकिन इस आधार के केंद्र में सहजता और फिर जो और सहजता बनी हुई है क्या एक महिला को तभी आदर्श माना जाता है जब वह एक रोबोट हो जो कि बिना थके और विशेष रूप से जो है परिवार की सेवा हमेशा ही करती रहती है शुरुआती दृश्य में आर्यन अपनी जो है घरेलू घरेलू जो है सहायिकाओं को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वह जो खाना बनाती है वह उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्वाद उसमें रहता है बाद में वो सिफरा द्वारा जो उसके लिए बनाए गए भोजन की प्रशंसाएं करता है अपनी पहली मुलाकात में आर्यन सिफरा से कहता है कि उसे उसके की सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना जो है सारा काम खुद करना पसंद है पंक्ति में वह उससे कॉफ़ी लाने के लिए कहता है और ये ध्यान देने योग्य है कि इस बिंदु पर वह नहीं जानता कि वह एक रोबोट है अब पूरी फिल्म में आर्यन इस बात पर जोर देता है कि सिफ्रा को सिर्फ एक रोबोट से ज्यादा एक रोबोट से ज्यादा के रूप में देखा गया है लेकिन वह लगातार उसे अपना जो है आदेश देने के लिए आ, कह रहा होता है जैसा कि कोई जो है एलेक्सा का मानव संस्करण कर रहा हो जो कि शिफरा वास्तव में शिफरा को यानी कि व्यक्तित्व यानी कि विकसित नहीं करती है कोई सवाल नहीं पूछती है और कोई जो है कोई असहजता व्यक्तित नहीं करती है जब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो आर उसे बंद कर देता है सचमुच यहाँ पे उसे अपनी जो है इच्छा अनुसार बंद कर दिया जाता है जब आर्यन का दोस्त आर्यन और फिर सिफरा के रिश्ते में और समानताएं पैदा हो जाता है शक्ति यानी कि गतिशीलताओं के बारे में पता चलता है तो आर्यन सिफरा के एक छोटी लड़की की तरह जो है यहाँ पे बताकर उसे जो है सही ठहराता है जो कि अभी भी सीख रही होती है यदि आप जो है भरमित है तो चिंता ना करें हम अभी भी यहाँ पे बता दें कि टी बी एम यू जे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कबीर सिंह 2019 के बारे में बता रहे हैं कि वही नायक वही दाढ़ी वही यानी कि चेन वही जो स्मुकिंग अलग अलग चीजों को पेश किया गया है फिल्म के एंड में जब उर्मिला यानी कि आखिर अपने रोबोट जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप को हो, अग्निहोत्री परिवार की बहू में बदलने की नैतिकता और फिर तर्क पर सवाल उठाती है तो आर्यन एक मोनोलॉग देता है जिसमें वो अपनी जो है यानी कि औटी को अपने जो इरादों और फिर जो है यहाँ पे फता के बारे में समझाने की कोशिश करने लग जाता है मैं उसका अब तक का सबसे अच्छा जो है एडमिन बनूंगा बताते हैं आर्यन कहता है कि शाहिद कपूर डिम्पल कबाड़ पर जो है अपनी सबसे जो है अच्छी यानी कि पॉपी डॉग यानी कि आयिस सन के बनाते हैं ताकि जो है हमारा ध्यान इस बात से हटा सके कि शादी की एक जो यानी कि धारणा कितनी जो है टेड़ी हो सकती है भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में पुरुष रोबोट को आमतौर पर उनके जो है निर्माता की बुद्धि की अभिव्यक्तित्व के रूप में दर्शाया जाता है एक यहाँ पे ने यानी कि प्रयोग की सही जो है साबित हुआ और फिर जो मूल यानी कि व्यक्तित्व विकसित करने और फिर एजेंसी का प्रयोग करने का मौका दिया जाता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पे रजनीकांत अभिनेत्रि यानी बास्टर ब्लॉकबस्टर दो हजार दस में हम जो है चिट्ठी से मिलते हैं एक रोबोट जो कि अपने निर्माता और फिर जो है यहाँ पे वैज्ञानिक डॉक्टर जो है वशीकरण के मॉडल पर बना हुआ था जो कि हालांकि वह जल्दी ही एक साधारण जो है आदेश पालन करने वाली मशीन से एक यहाँ पे आत्मा जो है जागरूकता इकाई में विकसित हो जाता है वो खुद के लिए सोचने और फिर जो है प्यार इस चर्य और फिर जो क्रोध जैसी जो है भावनाओं को महसूस करने में सक्षम है जैसे जैसे चिट्ठी अधिक जो है संवेदनशील होता चला जाता है उसे नियंत्रित करना भी काफी ज्यादा अधिक कठिनाई हो जाती है वही दोस्तों इसके जो है विपरीत सिफरा एक पुरुष की इच्छाओं का अवतार देती है जैसा है कि उसके जो है डिजिटल यानी कि पद चिन्ह से ये पता चलता है कि केवल जो है यहाँ पे अधीनता की यहाँ पे विशेषताए है ये जो है लगभग ये लगभग जो है ऐसा है कि ऐसे जैसे कि महिला यानी कि रोबोट के लिए यहाँ पे बुद्धि मानते की आवश्यकताएँ नहीं है क्योंकि वह केवल सेवा करने के लिए मौजूद है भले ही एक संक्षिप्त और फिर जो है रोमांचक रोमांचकारी अंतराल यह है कि जिसमें वह अभिनया करती है और फिर जो है आदेशों का पालन करने से इनकार कर देती है सिर्फ के लिए कोई वास्तविक चरित्र चाप नहीं है केवल आपको बता दें एक क्षण ये है कि जिसमें वह एक यानी कि पूछती है कि क्या रोबोट होना एक बुरी बात है एक यहाँ पे अंतरिक्षता का यहाँ पे संकेत देते हुए लेकिन यहाँ पे बीजीएम यूजे की किसी भी यानी कि अस्तित्व अस्तित्व यानी कि प्रश्न में नहीं उलझ पाती ये भी एक सवाल है इस फिल्म के अंदर वही आपको बता दें महिला रोबोट को एक उप, एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि उसके प्र जो कि उसके प्रशासक की इच्छाओं के लिए यहाँ पे भावशून्य वाहन है जो पड़ोस में रहने वाले एक युवक को पता चलता है कि सिफरा एक रोबोट है तो उसका जो है पहला सह जाता ज्ञान और उस पर जो है एक चाल चलना है जबकि वह उसके जो है यहाँ पे स्पर्श को विनम्रता पूर्ण स्वीकार कर दिया जाता है उसे यौन उत्पीड़न का शिकार होने से बचाने के लिए आर्यन को क्रोध में आना पड़ जाता है ये न केवल जो विचलित करने वाला है बल्कि ये जो है बेकार का दृश्य है इस बात का इस बात का भी संकेत दिया जाता है कि फिल्म में जो है यहाँ पे पुरुषत्व और फिर जो है इस तत्वों के आदेशों की कल्पना कैसे की गई है सिफ़रा भारी वजन उठा सकती है और फिर जो है जटिल यहाँ के डेटा को प्रोसेस कर सकती है लेकिन उसे अभी भी खुद को बचाने के लिए एक असली आदमी की ज़रूरत है जब वह पुरुष अधि जब वह पुरुष अधिकार की अवहेलना करती है तो वह जो है भयानक हो जाती है और फिल्म में उसे उसके विद्रोह के लिए दंडित भी किया जाता है वही दोस्तों बता दें तेरी बातों में ऐसा उलझा किया का अंतिम दृश्य हमें जो है कई तरह की अप्रत्याशित जो है घटनाओं से रूबरू करवाता है जिसमें एक आश्चर्यजनक जो है कैमियो भी शामिल है जिससे हम जो है खराब नहीं करेंगे और ये जो है पुष्टि किया गया है कि आर्यन और फिर शिफरा की कहानी जो है जारी रहेगी जो कि अधिकांश भाग के लिए फिल्म जो है मनोरंजन करने में सफल रहा है हालांकि दूसरे भाग में हाथियत थका हुआ लगने लग जाता है वही आपको बता दे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हमें ये सवाल छोड़ हमें हमारे अंदर ये सवाल छोड़ देता है कि आप जो है वास्तविक जो है भावनाओं वाले एक पूर्ण इंसान से प्यार करना पसंद करेंगे या फिर जो है प्रोग्रामिंग वाले एक आदर्श रोबोट से अगर कुछ और नहीं तो दोस्तों फिल्म और फिर जो है फिल्म में और शिफ्रा और जिसने जो है फ़िल्म को ये बढ़ावा देने के लिए सैनन के असली जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने जो है कब्जे में लिया है आपको बता दें कि तकनीकी और फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने अपने जो है संबंधों का यहाँ पे पुनर्मूल पुनः यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया है तो दोस्तों आप लोग को आज का कहानी जरूर पसंद आया होगा इस वीडियो में मैंने रिव्यू कर दिया है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को जो कि 2024 में ही ये फिल्म रिलीज हुई है तो आइए दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करें इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में पचहत्तर करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो एक करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है और ये फिल्म हिट साबित हुई है इसी के साथ इस फिल्म के रिलीज के बारे में हम बात करें तो 9 फरवरी 2024 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था वही दोस्तों बता दें हिंदी भाषा में ये फिल्म रिलीज हुआ था और इस फिल्म के रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में शाहिद कपूर कीर्ति सोनून डिम्बल कुमारी और धर्मेंद्रभुंडिया करते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एक ही मूवी इफेक्ट पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी सीओ सुल शाहिद कपूर द्वारा अपने परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कृति सुनोन एक इंसान है हमें जो है काफी ज्यादा कॉमेडी और गुदगुदाती है इस फिल्म में वही इस फिल्म में कई ऐसे पल भी है जो कि आपको हंसा देंगे लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वहीं बता दें क्लाइमेक्स से पहले का एपिसोड जिसमें जो ह्यूमन एड रोबोट में खराबी आती है तो हमें और आपको इस फिल्म में पता चलता है और काफी ज्यादा हंसी भी आती है और इस बीच हम काफी ज्यादा इस फिल्म से इंजॉय भी करते हैं इसी सीक्वेंस में कीर्ति सुनोन का अभिनय शानदार हमें देखने को मिला है जहां पर डिम्बलिया ने अपने किरदार में कमाल का अभिनय किया है वही फिल्म का आईडिया दि, आईडिया ही है और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई दूसरी फिल्म है आपको ये फिल्म देखने के बाद लगेगा वही आपको बता दें फिल्म के हीरो शाहिद कपूर ने फिल्म में कमाल का, का काम किया है कीर्ति के रोबोट होने का पता चलने के बाद जिस तरह से अभिनेता ने अपनी भावनाओं और फिर जो हताशा को प्रभावशाली है हाल ही में, में शाहिद अधिक जो है गंभीर भूमिकाओं में दिखाई दिए थे और इस फिल्म में उनका मजेदार पक्ष हमें देखने को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सोन ने सिफरा के रूप में शानदार परफॉर्म दी है और यह निश्चिंत रूप से एक आसान भूमिका नहीं है उनके लिए लेकिन कीर्ति टी ने इस, इस भूमिका को आसानी से और फिर पूर्णता के साथ निभाई है वह बेहद खूबसूरत दिखी है इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी मुख्य जोड़ी की हॉट के केमिस्ट्री इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इस फिल्म के गाने सुधानी है और फिर देर से आंखों को सुकून देने वाले हैं वही अगर बात करें माइनस पॉइंट के बारे में तो बता दें इस फिल्म का एक पहलू जिसमें जो है बहुत सुधार की आवश्यकताएं थी और वो ये है कि इसका भावनात्मक पहलू कुछ अच्छे भावनात्मक क्षण भी है लेकिन वह मजेदार पहलू के सामने दब जाते हैं इसलिए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक संपूर्ण मनोरंजन नहीं बन पाई है इस साल क्योंकि दोस्तों इसमें संपूर्ण गायब है क्योंकि हल्की फुल्की कॉमेडी का आनंद तो लिया जा सकता है लेकिन हम पूरी होने के बाद भी इसमें कुछ खास नहीं पेश किया गया है वही फिल्म कभी कभी धीमी हो जाती है और फिर जो है संपादन टीम को कुछ पारिवारिक दृश्यों की लंबाई कम करनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ पाते हैं धर्मेंद्र के तो बारे में हम बात करें तो धर्मेंद्र के चरित्र में बहुत अधिक महत्व नहीं है और ये कव जो है विकसित हुई है जिसकी वजह से वरिष्ठ अभिनेता के प्रदर्शन में उनके चरित्र ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला था लेकिन ये जो है रोमांटिक कॉमेडी यानी कि इस पहलू में थोड़ा सा निराश हमें करके जाता है वहीं तकनीकी पहलू के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में आपको बता दें अच्छे गाने की जरूरत होती है और फिर जो है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में ये जो है बात आती है टाइटल टाइटो ट्रैक यहाँ पे अखिया गुलाब और फिर लाल पीली अखिया सुनने और देखने में बहुत ही बढ़िया है अब लक्ष्मण उटेकर के विजुअल देखने में बहुत ही अच्छा लगा है और फिल्म में दमदार प्रोडक्शन वैल्यू भी फिट किया गया है निर्देशक अमित जोशी और फिरजो आराधना शाह ने अच्छा काम किया है और वह यहाँ पे नियमित अंतराल पर मनोरंजन जोड़ने में सफल रही है लेकिन भावनात्मक क्षणों और फिर जो है नाट किया था के मामले में लेखन विभाग जो है बेहतर काम कर सकता था वहीं कुल मिलाकर दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा किया एक टाइम एक टाइम पास करने वाली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें कई मज़ेदार पल हैं निर्माता का इरादा लगातार जो है मनोरंजन प्रदान करना है और वह इस मामले में सफल भी हुए हैं जहाँ पे शायद कपूर और कीर्ति सरोन अपने किरदारों में बहुत ही अच्छी दिखी है और उनकी केमिस्ट्री कमाल की है हालांकि भावनात्मक गहराई